यह खबर कि उसने दैवीय संघ के विशेषज्ञों का नरसंहार किया था जंगल की आग की तरह फैल गई। ईश्वरीय संघ के लोग वास्तव में घबराए हुए और हताश थे। वे चाहते थे कि वे अपने आप को टुकड़े टुकड़े कर सकें। वास्तव में अगर जून डिंटियन ने यक्षिवेन पर से कुछ दबाव कम नहीं किया होता तो यक्षिवेन अब तक शिकार हो गया होता। उनकी राय में जून डिंटियन, जो अपने दाव को साबित करने में सक्षम हो सकते थे, ये जीवेन से कहीं अधिक महत्वपूर्ण थे। आखिरकार उनके नेता को अपने दाव को साबित करने की अनुमति देने के उद्देश्य से ईश्वरीय संघ की स्थापना की गई थी। इससे संबंधित कुछ भी सर्वोच्च प्राथमिकता थी। यहाँ तक ये जीवेन, जिन्होंने अपनी आंखों के सामने जघन्य अपराध किए थे, को भी कतार में सबसे पीछे धकेलना पड़ा। हालांकि इसका मतलब यह नहीं था कि वे यक्षिवेन को छोड़ देंगे। दैवीय संघ की अत्याचारी शक्ति को देखते हुए यक्षिवेन के लिए अपने अनुभव का एक छोटा सा हिस्सा भी साझा करना बहुत परेशानी भरा होगा। हालांकि वह गहन मृत्यु अवस्था में पहुंच चुका था, फिर भी बहुत कम लोग थे जो उससे निपट सकते थे। इसके अलावा ईश्वरीय संघ ने इतनी अधिक कीमत की पेशकश की थी जिसे अमूल्य माना जा सकता था। संभवतः ऐसी कई प्राचीन वस्तुएं होंगी जिन्हें लुभाया जाएगा। भले ही उनमें से केवल एक अंश ने ही चाल चली हो, फिर भी यक्षिवेन को हमलों की एक अंतहीन धारा का सामना करना पड़ेगा। हालांकि उन्होंने अपनी आभा को बदलने और खुद को कम उत्कृष्ट दिखाने के लिए आभा नियंत्रण तकनीक का इस्तेमाल किया था, फिर भी उन्हें अभी या बाद में खोजा जाएगा। इसलिए यक्षिवेन ने एक ऐसे स्थान पर भागने की योजना बनाई जहाँ ईश्वरीय मिलन के लोग उसे आसानी से खोज न सके। इस बार वह एक बार फिर राजकुमारी तियानकिंग के लिए नेशन ऑफ डार्कनेस में आए थे। इस सहयोग को दोनों पक्षों के लिए पारस्परिक रूप से लाभप्रद माना जा सकता है। यक्षिवेन को काफी कुछ हासिल हुआ था, जबकि राजकुमारी तियानकिंग को भी काफी कुछ हासिल हुआ था। संक्षेप में, किसी भी पार्टी को नुकसान नहीं हुआ था। उन्हें ऐसी खतरनाक स्थिति में नहीं आना चाहिए था। हालांकि वह अभी भी इस जानकारी के बारे में चिंतित था कि राजकुमारी तियानकिंग ने उसे प्राचीन बैरेंस महाद्वीप में कई वरिष्ठों के बारे में बताया था। इस समय लक्ष्यहीन रूप से खोजने के बजाय वह राजकुमारी तियानकिंग से वह जानकारी मांग सकता है जो वह चाहता है। जैसे ही उन्होंने राष्ट्र के अंधेरे की राजधानी में कदम रखा, उन्होंने अपने ऊपर एक अत्याचारी आभा महसूस की और अपने शरीर पर झाड़ू लगाई। ऐसा पहले नहीं हुआ था। निश्चित रूप से ईश्वरीय संघ ने इस स्थान की जांच के लिए कई विशेषज्ञों की व्यवस्था की थी। ये आध्यात्मिक चेतनाएं बहुत शक्तिशाली थी, लेकिन मूल आध्यात्मिक चेतनाएं उतनी अत्याचारी नहीं थी। वे स्पष्ट रूप से स्काउटिंग विशेषज्ञ थे। यहाँ तक सामान्य गहन मृत्यु क्षेत्र के विशेषज्ञ भी उनकी पहचान से बच नहीं पाएंगे। दुर्भाग्य से उन्हें उम्मीद नहीं थी कि यक्षिवेन की संयमित श्वास तकनीक पहले ही पूर्णता की पराकाष्ठा पर पहुंच चुकी है और पूर्णता के बिंदु पर पहुंच चुकी है। यह कुछ ऐसा नहीं था जिसे आम लोग देख सकते थे। ये स्काउटिंग विशेषज्ञ भी नहीं देख सके। इसके अलावा उन्होंने कभी उम्मीद नहीं की थी कि यक्षिवेन ऐसी खतरनाक स्थिति में डार्क नेशन की इंपीरियल कैपिटल में वापस आ जाएगी। उसके और जून डिंटियन के बीच के मामले के अलावा पूरे डार्क किंगडम में सबसे अधिक चर्चा का विषय राजकुमारी तियानकिंग था। मृतकों के रसातल में हुई घटना के बाद राजकुमारी तियानकिंग पूरी तरह से भीड़ से अलग हो गई थी और यहां तक लोकप्रिय चैंपियन को भी हरा दिया था। डार्क किंगडम के सम्राट द्वारा उसे सीधे क्राउन प्रिंस के रूप में नामित किया गया था। यदि कोई दुर्घटना नहीं होती तो वह कुछ वर्षों के बाद डार्क किंगडम की सम्राट बन जाती। यह देश के अंधेरे के इतिहास में पहली महिला शासक थी। उनके लिए यह अभूतपूर्व कहा जा सकता है। इसे दुनिया की शुरुआत के बाद पहली बार कहा जा सकता है। अतीत में उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि एक महिला राष्ट्र शासक बन सकती है। हालांकि यह सैद्धांतिक रूप से संभव था, क्योंकि राष्ट्र के अंधेरे के पिछले राष्ट्र शासकों ने महिलाओं को सम्राट की स्थिति के लिए प्रतियोगिता में भाग लेने से प्रतिबंधित नहीं किया था। सामान्य तौर पर वे केवल सम्राट के साथ जाने की भूमिका निभाते थे। वे बहुत मजबूत नहीं होंगे या बहुत अधिक ध्यान आकर्षित नहीं करेंगे। किसने सोचा होगा कि यह मजाक वास्तव में एक वास्तविकता बन जाएगा। वास्तव में पहली महिला राष्ट्र शासक थी। हालांकि उसे केवल सम्राट के रूप में नामित किया गया था, सभी को जल्द ही पता चला कि राजकुमारी तियानकिंग पहली महिला राष्ट्र शासक बन सकती है। राजकुमारी तियानकिंग, जो अभी अभी शाही राजधानी लौटी थी, नहीं जानती थी कि वह राष्ट्र शासक को मनाने में कैसे कामयाब रही। नतीजतन उसे जल्दी से सम्राट के रूप में नामित किया गया था। इसने स्वाभाविक रूप से कई लोगों, विशेष रूप से लोकप्रिय राजकुमारों को विद्रोह करने का कारण बना दिया। हालांकि उनका विद्रोह निरर्थक था। कुछ समय पहले राजकुमारों ने एक तख्तापलट शुरू करने के लिए सेना में शामिल हो गए और यहां तक राष्ट्र के अंधेरे में प्रमुख संप्रदायों के विशेषज्ञों और बलों को फंसाया। ऐसा बल पूरे देश के अंधेरे को नष्ट करने के लिए पर्याप्त था। वर्षों से अंधेरे देश के शासक की मिलीभगत के कारण राजकुमारों ने लंबे समय तक देश के अंधेरे के सभी पहलुओं में प्रवेश किया और सेना को कमोबेश काबू कर लिया। इसके अलावा प्रमुख संप्रदायों के समर्थन के साथ यह राष्ट्र के अंधेरे की पूरी स्थिति को रातों रात खत्म करने के लिए पर्याप्त था।
लेकिन अंधेरे देश के शासक को भी ऐसी ताकत से डरना पड़ा और ऑपरेशन एक ही रात में विफल हो गया। सभी विद्रोही राजकुमारों का एक पल में सिर कलम कर दिया गया। उनके विश्वस्त सहयोगियों और यहाँ तक कि विद्रोह में भाग लेने का साहस करने वाले प्रमुख संप्रदायों के सदस्यों सहित उन सभी के सिर कलम कर दिए गए। उस रात को ब्लडी नाइट कूप के नाम से जाना जाता था। परिणाम स्वरूप सभी राजकुमारों, उनके विश्वस्त सहयोगियों और उनके परिवारों का वध कर दिया गया। उस रात खून नदी की तरह बह गया। अकेले इंपीरियल कैपिटल में ही लगभग 10 लाख लोगों के सिर कलम कर दिए गए थे। वे सभी राजकुमार थे जिन्होंने युद्ध में भाग लिया था, साथ ही वे रईस थे जिन्होंने खुद को उनसे जोड़ा था, साथ ही साथ उनके भरोसेमंद सहयोगी भी थे। एक ही रात में अंधेरे का देश बदल गया था। सभी नागरिक भय से कांप रहे थे। सौभाग्य से राजकुमारी तियान किंग निर्दयी और कुशल थी। इससे पहले कि ये लोग हंगामा कर पाते, उन सभी को मार डाला गया। मुख्य सड़क पर घूमने की जुर्रत करने वाले बदमाशों का इस हंगामे में कत्ल कर दिया गया। जरा भी दया नहीं आई। इससे पूरी इंपीरियल कैपिटल की सुरक्षा स्पष्ट हो गई। उस रात के बाद सभी ने महसूस किया कि राजकुमारी तियान किंग के गुट ने शाही दरबार में सर्वोच्च पदों पर तेजी से कब्जा कर लिया था। बेशक पहले राजकुमारी तियान किंग के गुट में बहुत से लोग नहीं थे, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ा। आखिरकार सभी राजकुमार जो उसका साथ दे सकते थे मारे गए थे। शेष तटस्थ गुट के पास राजकुमारी तियान किंग का पक्ष लेने के अलावा और कोई विकल्प नहीं था। इंपीरियल कोर्ट में लगभग 80% रिक्ति के लिए यह कोई समस्या नहीं थी। किसी भी दुनिया में, किसी भी युग में ऊपर चढ़ने की इच्छा रखने वालों की कमी नहीं होगी, चाहे वह मानव जाति हो, दानव जाति हो या अन्य जातियां हो, वह एक ही थी। ऐसी भी अफवाहें थी कि राजकुमारी तियान किंग ने अंधेरे राष्ट्र के वर्तमान राजा को नजरबंद कर दिया था। अब वह रीजेंट की पहचान के साथ इंपीरियल कोर्ट की प्रभारी थी। ऐसी अराजक स्थिति में एक साथ तरह तरह की अफवाहें फैलाई गई। कुछ लोगों ने कहा कि अंधेरे राष्ट्र का राजा लंबे समय से यही योजना बना रहा था। कुछ लोगों ने कहा कि यह राजकुमारी तियान किंग की लंबी योजना का परिणाम था। कुछ लोगों ने यह भी कहा कि उन्होंने अपनी आंखों से देखा कि राजकुमारी तियान किंग ने व्यक्तिगत रूप से एक चाल चली। प्रमुख संप्रदायों के विशेषज्ञों की घेराबंदी के तहत उसने एक एक करके सभी को मार डाला। ऐसी अफवाहें भी थी कि कुछ लोगों ने शाही राजधानी के बाहर एक स्थानिक मार्ग को खुलते हुए देखा। मार्ग की दिशा पौराणिक दानव क्षेत्र थी। राजकुमारी तियान किंग को विद्रोह को कुचलने में मदद करने के लिए असुर कबीले के कई विशेषज्ञ दानव क्षेत्र से बाहर निकल आए। कई अफवाहें बहुत भरोसेमंद थी और उनमें से कुछ बहुत भरोसेमंद थी। हालांकि ये अफवाहें अनगिनत अफवाहों में डूबी हुई थी। किसी के पास इन अफवाहों की प्रामाणिकता को सत्यापित करने का कोई तरीका नहीं था। वे न्याय करने के लिए केवल अपनी स्वयं की धारणा पर भरोसा कर सकते थे। ये जिवेन ने अपनी आंखें सिकोड़ ली। उसने उम्मीद नहीं की थी कि राजकुमारी तियान किंग इतनी बड़ी उपलब्धि हासिल कर पाएगी, भले ही वह उससे थोड़ा पहले ही लौटी हो। यह वास्तव में एक बड़ी चाल थी। पूरे देश की राजनीतिक स्थिति उनके नियंत्रण में थी। वह जो चाहती थी वह कर सकती थी। ऐसा तरीका वाकई अद्भुत था। हालांकि इसमें हैरान होने की कोई बात नहीं थी। राजकुमारी तियान किंग ने बहुत पहले ही गहन जीवन चरण के शिखर पर कदम रख दिया था। वास्तव में एक बार जब वह पूरी तरह से शक्ति को अवशोषित कर लेती है तो उसके लिए गहन मृत्यु अवस्था में कदम रखना अजीब नहीं होगा। ऐसी ताकत पूरे देश को अंधेरे से उबारने के लिए काफी थी। जहां तक वह जानता था, राष्ट्र के अंधेरे का महायाजक केवल देर से गहन जीवन क्षेत्र का विशेषज्ञ था। अन्य विशेषज्ञ केवल आरंभिक गहन जीवन क्षेत्र में थे। इसलिए यहां तक प्रमुख संप्रदायों के बाहरी संप्रदाय के बुजुर्गों ने राष्ट्र को अंधेरे में नहीं रखा। यदि यह प्रमुख संप्रदायों के लिए एक दूसरे को नियंत्रित करने के लिए नहीं होते तो राष्ट्र का अंधकार पूरी तरह से समाप्त हो जाता। राजकुमारी तियान किंग की ताकत और कौशल के साथ वह किसी भी विद्रोह को आसानी से दबा सकती थी। इस संसार में शक्ति का सम्मान था। गहन जीवन क्षेत्र के शिखर पर एक विशेषज्ञ राष्ट्र के अंधेरे जैसे देश की स्थापना के लिए पर्याप्त था। मात्र विद्रोह को शांत करना कुछ नहीं था। एकमात्र परेशानी प्रमुख संप्रदायों के विशेषज्ञ थे। वे अत्यंत कष्टकारी थे क्योंकि उन्हें प्रमुख संप्रदायों का समर्थन प्राप्त था। वे प्रमुख संप्रदायों से लड़ नहीं सकते थे या उन्हें भड़का नहीं सकते थे। हालांकि राजकुमारी तियान किंग के क्रूर तरीकों को देखकर ऐसा लग रहा था कि उसके पास एक बैकअप योजना थी। आखिरकार वह उसके जैसे बदमाश से अलग थी। ये जिवेन एक बदमाश थी। उन्हें घेराव का बिल्कुल भी डर नहीं था। हालांकि वह प्रमुख संप्रदायों जैसी विशाल शक्तियों का उपयोग नहीं कर सका, फिर भी उसके पास वह सहजता और स्वतंत्रता थी जो प्रमुख संप्रदायों के पास नहीं थी। उस मामले में यह सच हो सकता है कि असुर वंश के कई विशेषज्ञ विद्रोह को दबाने में मदद करने के लिए उपस्थित हुए थे। आखिरकार क्या राजकुमारी तियान किंग के पास असुर कबीले का खून नहीं था? यदि उसे अपनी माता के कुल का समर्थन प्राप्त होता तो प्रमुख संप्रदायों की उपेक्षा करना संभव था।
एक भयानक कबीले के रूप में जिसने कई सम्राट लॉर्ड्स और अमर विशेषज्ञों का उत्पादन किया था। असुर कबीला कोई साधारण ताकत नहीं थी जिसकी तुलना उनसे की जा सकती थी, भले ही उन्हें कई बार झेलने पड़े हों। हालांकि अगर ऐसा होता तो भविष्य में कुछ मोड़ और मोड़ा सकते थे। उनका और राजकुमारी तियानकिंग का बहुत ही सुखद सहयोग था, लेकिन यह भी संभव था कि वे इस वजह से विपरीत दिशा में चलें। उसके और रसातल के दानव मास्टर के बीच एक बफर की कोई संभावना नहीं थी। केवल दूसरे पक्ष को नष्ट करने से ही रुकने की संभावना हो सकती है। यह सोचकर वह अब और नहीं बैठ सकता था। सुनहरी रोशनी की चमक के साथ वह रेस तरह से गायब हो गया। डॉट जब ये जिवेन फिर से दिखाई दिया तो वह पहले से ही राजकुमारी तियानकिंग के निवास में था। वह अतीत की छोटी राजकुमारी से अलग थी। अब राजकुमारी तियानकिंग डार्क कंट्री की क्राउन प्रिंस बन गई थी। उसकी स्थिति अलग थी। यह कहा जा सकता है कि दरवाजे के सामने घोड़ों और गाड़ियों की एक अंतहीन धारा थी। उनसे मिलने के लिए लोगों की लंबी लाइन लगी थी। कुछ समय बाद राजकुमारी तियानकिंग पूर्वी महल में चली जाएगी और इस देश की आधी मालिक बन जाएगी। निकट भविष्य में वह इस देश की एकमात्र स्वामी बन जाएगी। उस समय उससे दोबारा मिलना इतना आसान नहीं होगा। जब ये जिवेन दिखाई दिए तो उन्होंने तुरंत उन लोगों का ध्यान आकर्षित किया जो उनसे मिलने आए थे। उन्होंने उसे अंदर टहलते हुए देखा और अचानक कुछ तिरस्कार महसूस किया। वे नहीं जानते थे कि यह पागल कहां से आया है। क्या उसने नहीं देखा कि ये उच्च पदस्थ मंत्री यहां दर्शकों की प्रतीक्षा कर रहे थे? इस बच्चे ने वास्तव में हड़बड़ी में अंदर जाने की हिम्मत की। वह वास्तव में नहीं जानता था कि वह क्या कर रहा है। यह व्यक्ति कौन है? क्या वह पहले इंतजार करना नहीं जानता? ये शख्स पागल है। उसके हाव भाव को देखकर लगता है कि वह किसी रेस का वंशज है। हालांकि वह शायद सोचता है कि उसकी रॉयल हाइनेस अतीत में एक महत्वहीन राजकुमारी है। वह आकस्मिक रूप से जाना चाहता है और दर्शकों के लिए पूछना चाहता है। हास्यास्पद उद्धरण चिन्ह। वह वास्तव में खुद को कम आंक रहा है। देखते हैं कि बाद में उसे कैसे फोक आउट किया जाएगा। हर कोई इसके बारे में बात कर रहा था। ऐसा लग रहा था कि वे अगले सेकंड में यक्षिबेन की बदकिस्मत उपस्थिति देख सकते हैं। यह कमोबेश यहाँ इंतजार करने की शर्मिंदगी को कम करेगा और दर्शकों को पाने में सक्षम नहीं होगा। कुछ लोग ऐसे भी थे जो इस अंधे आदमी को सबक सिखाने के लिए राजकुमारी तियानकिंग की ओर से आगे आने का इरादा रखते थे। हालांकि उन्होंने जल्द ही अपनी आंखें चौड़ी कर ली। वे यह देखकर हैरान रह गए कि यह लापरवाह युवक वास्तव में सीधे अंदर चला गया। केवल उसे राजकुमारी के निवास के पहरेदारों द्वारा बाहर निकाल दिया गया था, बल्कि इसके विपरीत ये अभिमानी लोग वास्तव में पुराने नौकरों की तरह उनके सामने सिर हिलाते और झुकते थे। उनकी आंखें लगभग बाहर निकल आई थी। यह क्या चल रहा है? विशेष रूप से राजकुमारी तियानकिंग की व्यक्तिगत महिला अधिकारी। ऐसा कहा जाता था कि वह राजकुमारी तियानकिंग की विश्वासपात्र थी। वह प्रायः अहंकारी थी। शाही दरबार के मंत्री उसके लिए सड़क पर भिखारी की तरह थे। वह उनकी ओर देखती भी नहीं थी। हालांकि उसने वास्तव में इस युवक के प्रति एक सुखद अभिव्यक्ति दिखाई। ऐसा लगा जैसे उन्होंने कोई भूत देख लिया हो। उनके लिए उसकी मुस्कान देखना भूत देखने जैसा ही था। बोंगजी, ये इस समय के दौरान आपकी कोई खबर नहीं आई है? महारानी भी बहुत चिंतित है, महिला अधिकारी ने मुस्कुराते हुए कहा। उसका अहंकार केवल आम लोगों को दिखाया गया था, लेकिन यह व्यक्ति कोई साधारण व्यक्ति नहीं था। राजकुमारी हवेली के नंबर एक अभिषेक के अयोग्य शीर्षक का उल्लेख नहीं करने के लिए उसकी खुद की ताकत शायद बहुत अत्याचारी थी। वह स्वाभाविक रूप से अधिकांश लोगों की तुलना में अपनी पहचान के बारे में अधिक जानती थी। उसने इस हद तक देवियो मिलन जैसे महापुरुष का अपमान किया था, फिर भी वह अभी भी जीवित और स्वस्थ थी। क्या इसका मतलब यह नहीं था कि उसके पास अत्याचारी ताकत थी? ये जिवेन बस मुस्कुराए और बोली, मैंने सुना है कि उसने हाल ही में कुछ असाधारण किया है। अब आखिरकार उसके हाथों में देश की पूरी शक्ति है। महिला अधिकारी मुस्कुराए और कुछ नहीं बोली। ये जिवेन प्रभु के मामलों के बारे में लापरवाही से बात कर सकती थी, लेकिन इसका मतलब यह नहीं था कि वह भी इस बारे में लापरवाही से बात कर सकती थी। वह बस मौत को दावत दे रहा था। हालांकि यंग मास्टर, ये जल्दी आने के बजाय सही समय पर आना बेहतर है। कुछ दिनों में महारानी एक लंबी यात्रा पर जा रही होंगी। अगर यंग मास्टर कुछ और दिनों के लिए खेलने आते हैं तो मुझे डर है कि आप महारानी को नहीं ढूंढ पाएंगे, महिला अधिकारी ने कहा। बाहर जा रही हो? वो कहाँ जा रही है? ये जिवेन को थोड़ा अजीब लगा। उसने मूल रूप से सोचा था कि राजकुमारी तियानकिंग अगले कुछ वर्षों में नहीं जाएगी। आखिरकार उसने अभी अभी अंधेरे के देश पर नियंत्रण कर लिया था और अभी तक उसे शांत नहीं किया था। बहुत अधिक चर थे, यह मैं भी नहीं जानता। समय आने पर यंग मास्टर ये व्यक्तिगत रूप से महारानी से पूछ सकते हैं, महिला अधिकारी ने ये जिवेन की तरफ देखा और कहा। ये जिवेन ने ज्यादा कुछ नहीं पूछा और सीधे महिला अधिकारी के पीछे पीछे भीतरी हॉल में चली गई। अंत में उसने राजकुमारी तियानकिंग को देखा। हालांकि यह उसकी कल्पना से थोड़ा अलग था।
उसने मूल रूप से सोचा था कि राजकुमारी तियानकिंग बहुत व्यस्त होगी, लेकिन अब वह बहुत इत्मीनान से थी। कम से कम उन्होंने यह कल्पना नहीं की थी कि हर जगह आधिकारिक दस्तावेजों का एक दृश्य होगा। हालांकि इसके बारे में सोचने के बाद उन्हें लगा कि यह बहुत सामान्य बात है। पहली बात जो एक श्रेष्ठ को सीखनी थी वह थी शासन करने का तरीका। यदि सब कुछ वरिष्ठ द्वारा किया जाता था तो अधीनस्थों के होने का क्या मतलब था। वह अंदर गया, अपने हाथों को थपथपाया और मुस्कुराते हुए बोला, हा हा, बधाई हो, महामहिम की महान इच्छा को पूरा करने के लिए बधाई। ये सिवेन, तुम इतने विनम्र क्यों हो? आज मेरे पास जो कुछ भी है उसमें से अधिकांश आपके लिए धन्यवाद है। अगर तुम नहीं होते तो मुझे डर है कि मेरा बेटा बहुत पहले मर गया होता, राजकुमारी तियानकिंग ने मुस्कुराते हुए कहा। उसने सीधे ये सिवेन का नाम पुकारा जो बहुत अधिक अंतरंग लग रहा था। यह उस तरह की अंतरंगता नहीं थी जो दिखावा करने की कोशिश कर रही थी। इसके बजाय यह वह अंतरंगता थी जो उसने इस साथी के प्रति महसूस की थी जो मरे रसातल की यात्रा के बाद जीवन और मृत्यु से एक साथ गुजरी थी। ये जिवेन जानती थी कि वो येमो की मार्शल तकनीक के बारे में बात कर रही थी। हालांकि यह येमो का व्यवसाय था और उसका उससे कोई लेना देना नहीं था। इस समय वह ऐसी बातों पर बहस करने के लिए बहुत आलसी था। हम दोनों एक दूसरे को परस्पर लाभ पहुंचा रहे हैं, ये जिवेन ने अपना हाथ हिलाया और कहा। वह बाईं ओर की पहली सीट पर बैठ गया। मैं आज तुम्हें खोजने आया हूँ, संभवतः आपको मेरा लक्ष्य भी पता होना चाहिए। ये जिवेन, आप अभी भी प्राचीन बैरेंस मेनलैंड को जाने नहीं दे सकते। आह, यह अफसोस की बात है कि आप जैसा व्यक्ति प्राचीन बैरेंस मेनलैंड में एक उथले पुल में फंसे ड्रैगन की तरह है। यदि आप प्राचीन बैरेंस मेनलैंड को जाने दे सकते हैं तो आप जुबान वर्ल्ड में भी अपनी ताकत दिखाने में सक्षम हो सकते हैं। शायद इन चीजों से कोई समस्या नहीं होगी, राजकुमारी तियानकिंग ने आह भरते हुए कहा। इसके बारे में बात करते हुए, हालांकि उसने इस जानकारी का इस्तेमाल येक्षिवेन को सस्पेंस में रखने के लिए किया था, लेकिन उसे उम्मीद नहीं थी कि वह इतना जिद्दी होगा। शायद यही उनमें और दूसरों में सबसे बड़ा अंतर था। दूसरे लोग ऐसी स्थिति नहीं देख पाएंगे चाहे कुछ भी हो जाए। मेरे लिए इटर्नल बैरेंस सिर्फ एक निश्चित लक्ष्य है, हालांकि कई चीजें हैं जो इससे अधिक महत्वपूर्ण हैं। भले ही मुझे इसके लिए अपना जीवन बलिदान करना पड़े, मैं संकोच नहीं करूंगा, ये जिवेन ने दृढ़ता से कहा। यह उनका विश्वास था, उनकी यही मान्यता सैकड़ों वर्षों से कायम थी। यदि वह हार मान लेता है तो यह सफलता से पीछे हटने के बराबर होगा। उसकी मार्शल तकनीक रातों रात वापस आ जाएगी और वह एक पल में आत्मा विनाश भी कर सकता है। अच्छा अच्छा कहा ये जिवेन, सच कहूँ तो मैंने बहुत से पुरुषों को देखा है, हालांकि तुम्हारे जैसा किसी को देखना दुर्लभ है। शायद आज आप जहाँ हैं वहाँ तक का कारण यह है कि आप दूसरों से अलग हैं, राजकुमारी तियानकिंग ने कहा। मैं आपको सीधे बताता हूँ, मुझे लगता है कि आप जुबान वर्ल्ड के बारे में अफवाहों के बारे में पहले से ही जानते हैं। हाँ, ये जिवेन ने सिर हिलाया। उसने जुबान वर्ल्ड के बारे में पहले ही कई अफवाहें सुन रखी थी। वह अब पहले की तरह अनपढ़ नहीं रहा। जुबान वर्ल्ड मूल रूप से एक उच्च स्तरीय दुनिया थी। संक्षेप में इसकी तुलना प्राचीन बेरेंस, डेविल वर्ल्ड और अन्य बड़े संसारों से भी नहीं की जा सकती थी। यह प्राचीन काल के अंत में प्रसिद्ध हुआ। यहाँ तक कि दैवीय क्षेत्र के विशेषज्ञों को ढूंढना कठिन था। बाद में यह खबर धीरे धीरे फैल गई कि जुबान की दुनिया में दिव्य दायरे के रहस्य समाहित है। इसने कई हुआन दायरे के विशेषज्ञों को आकर्षित किया और धीरे धीरे वर्तमान हुआन विश्व का गठन किया। प्राचीन बेरेंस के विशेषज्ञ हमेशा जुबान की दुनिया में आते थे। उस समय प्राचीन बेरेंस को अभी भी दानव क्षेत्र कहा जाता था। इसे बहुत समय पहले दानव सम्राट ने जीत लिया था। बाद में दानव जाति स्वर्ग क्षेत्र से पीछे हट गई और दानव क्षेत्र में विकसित हुई। उसके बाद वे लंबे समय तक फलते फूलते रहे। हुआन विश्व में प्राचीन बेरेंस के भी बहुत से लोग हैं, राजकुमारी तियानकिंग ने कहा। उनकी पूर्ण शक्ति के कारण प्राचीन दानव क्षेत्र के लोगों का जुबान विश्व के उत्तरी भाग में बहुत प्रभाव है, विशेष रूप से दानव जाति, वे उस क्षेत्र के शासक हैं। कई राक्षसी विशेषज्ञ जो कई वर्षों से प्रकट नहीं हुए हैं वहीं छिपे हैं। कोई नहीं जानता कि कितने विशेषज्ञ हैं, यहाँ तक बड़े संप्रदाय भी उनसे बहुत डरते हैं, राजकुमारी तियानकिंग ने धीरे से कहा। ये जिवेन को उम्मीद नहीं थी कि प्राचीन बेरेंस के लोग जुबान की दुनिया में इतना बड़ा प्रभाव डालेंगे। हालांकि यह दानव जाति थी न कि मानव जाति, उनके लिए यह अच्छी खबर नहीं थी। हालांकि अब दानव जाति पहले से कहीं अधिक अच्छी तरह से व्यवहार कर रही थी, फिर भी वे दानव जाति के बाद दूसरे सबसे बड़े दुश्मन थे। प्राचीन बेरेंस से मानव जाति के लिए उन्होंने जुबान विश्व के उत्तरी भाग में एक बल स्थापित किया है जिसे सेज की घाटी कहा जाता है। वे 3 से 5 के समूह में रहते हैं। हालांकि ऐसा कहा जाता है कि दानव जाति ऋषि की घाटी को दबाती रही है। जीवन आसान नहीं है। यदि आप प्राचीन बंजरों से मानव जाति को खोजना चाहते हैं तो आपको उनकी तलाश के लिए ऋषि की घाटी में जाना चाहिए, राजकुमारी तियानकिंग ने ये जिवेन को देखा और कहा। साधुओं की घाटी हमसे बहुत दूर है।
हमारे अंधेरे का राष्ट्र वुआन दुनिया के दक्षिणी छोर पर स्थित है। यह बहुत दूरस्थ है, मृत आत्मा रसातल के कारण यह एक है बहुत महत्वपूर्ण स्थान। दानव जाति का राष्ट्र और संतों की घाटी उत्तर में बहुत दूर है। यदि आप वहां जाना चाहते हैं तो आपको पूरी वुआन दुनिया की यात्रा करनी होगी। उद्धरण चिन्ह। जानकारी के लिए धन्यवाद। ये जिवेन मुस्कुराए, सामने की कठिनाइयों से वह हारा नहीं। जानकारी के साथ बाकी बहुत आसान होगा। अब सबसे महत्वपूर्ण बात, वुआन दुनिया के उत्तरी भाग में जाना था और ऋषि की घाटी में प्राचीन बेरेंस महाद्वीप से आए वरिष्ठों को ढूंढना था। वह उन्हें वापस लाएगा ताकि प्राचीन बेरेंस महाद्वीप से मानव जाति को बचाया जा सके। अचानक उसके दिमाग में एक और सवाल आया। उसने पूछा, मैंने सुना है कि तुम बाहर जाने की योजना बना रहे हो, क्या मैं पूछ सकता हूँ तुम इस समय बाहर जाने का चुनाव क्यों करोगे? यह साम्राज्य के नियंत्रण के लिए अच्छा नहीं है। राजकुमारी तियानकिंग को यह बात अजीब नहीं लगी कि एक शिवेन को इसके बारे में पता था। इसके बजाय उसने कहा, छिपाने के लिए कुछ भी नहीं है, साम्राज्य अब पूरी तरह से मेरे नियंत्रण में है, डरने की कोई बात नहीं है। मैंने पहले ही मामलों को अपने अधीनस्थों को सौंप दिया है, मुझे कुछ नहीं करना है। मैं कुछ दिनों में हुआन विश्व युद्ध क्षेत्र में जाऊंगा, राजकुमारी तियानकिंग ने कहा। ये क्षिवेन ने कुछ शब्द बोले, द प्रोफाउंड वर्ल्ड बैटलफील्ड। ये जिवेन के दिमाग में अचानक ये शब्द कौंध गए। वास्तव में प्रोफाउंड वर्ल्ड में प्रवेश करने से पहले ही उन्होंने प्रोफाउंड वर्ल्ड बैटलफील्ड के बारे में एक से अधिक बार सुना था। यह संपूर्ण प्रोफाउंड वर्ल्ड का मूल था। ऐसा कहा जाता था कि सुदूर अतीत में वहाँ एक पौराणिक युद्ध हुआ था, नतीजतन यह युद्ध क्षेत्र पीछे रह गया और कहा गया कि इसमें देवताओं के दाव से संबंधित रहस्य शामिल है। शुरू से ही ऐसे लोग रहे हैं जिन्होंने इसमें बड़ी खोज की थी और ऐसे लोग भी थे जो भगवान बन गए थे। इस मौजूदा दौर में जहां अमर साम्राज्य की विरासत लगभग छिन भिन हो चुकी थी, थोड़ी सी उम्मीद भी सबको दीवाना बनाने के लिए काफी थी। उल्लेख नहीं है, यह एक ठोस आशा थी। इसलिए प्रोफाउंड वर्ल्ड बैटलफील्ड में विशेषज्ञों की हमेशा कोई कमी नहीं थी। यदि प्रोफाउंड वर्ल्ड को विभिन्न दुनियाओं के अभिजात वर्ग के लिए एक सभा स्थल कहा जाता है, तो प्रोफाउंड वर्ल्ड बैटलफील्ड वह जगह थी जहां प्रोफाउंड वर्ल्ड के अधिकांश कुलीन एकत्रित हुए थे। कोई सोच सकता है कि यह कितना खतरनाक था। यहां तक किंग डिवीजन के अजय और विशेषज्ञ, जिन्हें उनकी संबंधित दुनिया में विशेषज्ञ कहा जा सकता है, वे केवल गहन विश्व युद्ध क्षेत्र की परिधि में ही खेल सकते थे, बचे हुए या छूटे हुए लोगों को उठा सकते थे। लेकिन फिर भी जो लोग गहन विश्व युद्ध के मैदान से बच सकते थे वे सभी संभ्रांत थे, जो बाहरी दुनिया में एक सराहनीय संपत्ति थी। यहाँ तक अंदर अकल्पनीय अमर अशुभ जानवर भी थे और यहाँ तक कुछ अद्वितीय विशेषज्ञों ने भी अंदर से बुरी तरह पीड़ित किया था। कोई नहीं जानता था कि अंदर क्या है। यहाँ तक प्रोफाउंड डेथ रियलम के विशेषज्ञ भी यह कहने की हिम्मत नहीं करेंगे कि वे अंदर से अजेय हैं और केवल अपनी रक्षा कर सकते हैं। गहन मृत्यु क्षेत्र से नीचे के विशेषज्ञों के लिए यह भी कहा जा सकता है कि वे एक अनिश्चित स्थिति में थे। जितना गहरा होगा विशेषज्ञ उतने ही भयानक होंगे। यह भी कहा जा सकता है कि प्रोफाउंड वर्ल्ड की प्रतिष्ठा ज्यादातर प्रोफाउंड वर्ल्ड बैटलफील्ड पर आधारित थी। प्रोफाउंड वर्ल्ड बैटलफील्ड के कारण यह विभिन्न दुनिया के विशेषज्ञों को लगातार आकर्षित करने और प्रोफाउंड वर्ल्ड बनाने में सक्षम था। आपको जल्द ही यह समाचार प्राप्त होगा, इसलिए मैं आपको पहले से बता सकता हूँ। क्या आपने नामलेस डाओ अकादमी के बारे में सुना है? राजकुमारी तियानकिंग ने पूछा। बेनाम डाओ अकादमी, वह क्या है? ये क्षिवेन ने उत्सुकता से पूछा। यह गहरी दुनिया में बहुत गहराई से छिपी हुई एक अकादमी है। यह भी कहा जा सकता है कि यह पूरी गहन दुनिया में सबसे बड़ी विशालता है जो कई ताकतों को पार करती है, राजकुमारी तियानकिंग ने कहा। असंभव, ये तीन शब्द अचानक ये जिवेन के दिमाग में आ गए। यदि वास्तव में ऐसा कोई महाकाय था तो वह इसके बारे में कैसे नहीं सुन सकता था। हालांकि उन्होंने तुरंत प्रतिक्रिया व्यक्त की। चूंकि राजकुमारी तियानकिंग ने ऐसा कहा था, इसलिए कुछ अंदरूनी जानकारी होनी चाहिए जिसके बारे में उन्हें जानकारी नहीं थी। प्रिंसेस तियानकिंग ने जारी रखा, कोई नहीं जानता कि नामलेस डाओ कॉलेज कब अस्तित्व में था। ऐसा कहा जाता है कि यह बहुत पहले अस्तित्व में था, रहस्यवादी दुनिया के इतिहास से भी लंबे समय से। यह आज तक पारित किया गया है और इसकी नींवें हैं अद्वितीय। उन शिष्यों के अलावा जो दुनिया में नहीं आते हैं, केवल वे शिष्य जो दुनिया में आते हैं वे अतुलनीय रूप से गौरवशाली हैं, रहस्यवादी दुनिया के इतिहास का एक बड़ा हिस्सा बनाते हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि उनके सबसे साधारण शिष्य भी रहस्यवादी दुनिया में महान व्यक्ति बन गए हैं। क्या आप ईश्वरीय गठबंधन के नेता को जानते हैं? वह नामलेस डाओ कॉलेज के शिष्य है। 5000 साल पहले जब नामलेस डाओ कॉलेज खुला तो वह उनमें से सबसे प्रतिभाशाली अपने साथियों के बीच अजेय था। अंत में उन्होंने ईश्वरीय गठबंधन की स्थापना की। राजकुमारी तियानकिंग ने अपने चेहरे पर एक फीकी मुस्कान के साथ ये जिवेन को देखा। आम लोगों के लिए यह नामलेस डाओ अकादमी की महिमा में वृद्धि मात्र थी। हालांकि ये शिवेन के लिए यह अलग था।
यह कहा जा सकता है कि येजेबेल ने पहले ही दिव्य संघ को नाराज कर दिया था, इसलिए भविष्य में सुलह की संभावना बहुत अधिक नहीं थी। भविष्य में एक दिन येजेबेल को अनिवार्य रूप से ईश्वरीय संघ के नेता का सामना करना पड़ेगा। यह खबर उनके लिए बेहद महत्वपूर्ण थी। येजेबेल समय से पहले मर जाएगी या नहीं, उसे पता नहीं क्यों, लेकिन उसे अस्पष्ट रूप से लगा कि यह आदमी निश्चित रूप से आधे रास्ते में नहीं हारेगा। जैसा राजकुमारी तियानकिंग ने अनुमान लगाया था, येजेबेल का दिल कस गया। वह बिना किसी हिचकिचाहट के दिव्य संघ से टकरा सकता था, लेकिन इसका मतलब यह नहीं था कि वह दिव्य संघ के नेता की उपेक्षा करेगा। वह व्यक्ति जिसने अकेले ही ईश्वरीय संघ को उसकी वर्तमान ऊंचाइयों पर पहुंचाया था, कई लोगों द्वारा संपूर्ण रहस्यमय दुनिया में नंबर एक व्यक्ति माना जाता था। ऐसे व्यक्ति के साथ उसका शत्रु, उसके दिल में दबाव को छोटा नहीं कहा जा सकता। स्वाभाविक रूप से अधिकांश लोगों के दिलों में येजेबेल ईश्वरीय संघ के नेता की तुलना में कुछ भी नहीं था। भले ही उन्होंने तीन प्रारंभिक चरण के गहन मृत्यु क्षेत्र के विशेषज्ञों का वध किया था और खुद के लिए एक नाम बनाया था, दिव्य संघ के नेता की तुलना में जो हजारों वर्षों से प्रसिद्ध थे, यह अभी भी एक चींटी की तुलना एक विशाल से करने जैसा था, चाहे कुछ भी हो या प्रसिद्धि या शक्ति के संदर्भ में था। द डिवाइन यूनियन के नेता, जिन्हें रहस्यमय दुनिया में नंबर एक व्यक्ति के रूप में जाना जाता था, उन्हें भगवान के सबसे करीबी व्यक्ति के रूप में भी जाना जाता था। हाल के वर्षों में वह एकमात्र ऐसे व्यक्ति भी थे जिनके बारे में माना जाता था कि उन्हें अपने डीओ को साबित करने का मौका मिला था। यह व्यवहारिक रूप से एक सौदा था और उसे केवल समय की आवश्यकता थी। उसके बारे में सभी की धारणा के आधार पर यह देखा जा सकता था कि रहस्यमय दुनिया का नंबर एक व्यक्ति कितना शक्तिशाली था। भले ही वह पहले से ही गहन मृत्यु क्षेत्र में प्रवेश कर चुका था, फिर भी उसके पास ईश्वरीय संघ के नेता के खिलाफ जीतने की थोड़ी सी भी संभावना नहीं थी। वास्तव में वह यह भी नहीं जानता था कि ईश्वरीय संघ के नेता और रसातल दानव गुरु के बीच कौन अधिक मजबूत था। उनके दोनों लोग उससे बहुत ऊपर थे। ईश्वरीय संघ के नेता की ताकत पर शक करने की कोई जरूरत नहीं थी। हालांकि ऐसा व्यक्ति केवल नामलेस डाओ कॉलेज का एक जीनियस था। कोई कल्पना कर सकता है कि नामलेस डाओ कॉलेज कितना शक्तिशाली था। कोई आश्चर्य नहीं कि राजकुमारी तियानकिंग ने कहा था कि नामलेस डाओ कॉलेज पूरी रहस्यमय दुनिया में सबसे बड़ी ताकत होगी। यदि उनके द्वारा भर्ती किए गए शिष्य ऐसे ही होते तो उनके लिए सबसे बलवान होना कोई आश्चर्य की बात नहीं होती। हालांकि यह बेनाम डाओ कॉलेज इतना प्रसिद्ध है, मैंने इसके बारे में पहले कभी क्यों नहीं सुना, येजेबेल ने पूछा। ऐसा इसलिए है क्योंकि नामलेस डाओ कॉलेज हर 5000 साल में केवल एक बार खुलता है। हर बार जब यह प्रकट होता है तो यह युवाओं के सबसे मजबूत समूह की भर्ती करेगा। इस बार नामलेस डाओ कॉलेज खुलने वाला है और इसका स्थान मिस्टीरियस वर्ल्ड बैटलफील्ड का सबसे गहरा हिस्सा है। मुझे अपने कबीले से पहले ही एक सूचना मिल चुकी है और अब मैं नामलेस डाओ कॉलेज की ओर भाग रहा हूँ। आपको भी जल्द ही समाचार प्राप्त होंगे। बेनाम डाओ कॉलेज हर बार खुल जाएगा, रहस्यमय दुनिया हिल जाएगी। आपकी प्रतिभा के साथ आपके लिए प्रवेश करना संभव होना चाहिए। राजकुमारी तियानकिंग ने येजेबेल को देखा और कहा, TSTS, आपने वास्तव में इतनी जल्दी गहन मृत्यु लोक में प्रवेश कर लिया है। हालांकि यह अभी भी काफी दूर है। यदि कोई विशेष परिस्थितियां नहीं है तो आप 1000 वर्षों के भीतर उनके विरुद्ध संघर्ष करना भूल सकते हैं। हालांकि मुझे डर है कि तब तक बहुत देर हो चुकी होगी। उद्धरण चिन्ह। जानकारी के लिए धन्यवाद, येजेबेल ने अपने हाथ जोड़कर कहा। येजेबेल ने राजकुमारी तियानकिंग को विदाई दी। उसने राजकुमारी तियानकिंग के साथ इस मुलाकात से बहुत अधिक जानकारी प्राप्त की थी, इसलिए उसे पचाने के लिए उसे कुछ समय चाहिए था। यह वास्तव में उनके लिए एक अत्यंत महत्वपूर्ण अवसर था। वर्तमान में वह पहले ही गहन मृत्यु अवस्था में कदम रख चुका था। हालांकि इस अवस्था में कदम रखने के बाद उन्होंने महसूस किया कि इस अवस्था में पहुंचने के बाद अपनी ताकत बढ़ाना कठिन होगा। हर क्षेत्र उतना ही कठिन था जितना कि स्वर पर चढ़ना। उसने पहले भी कई हथकंडे अपनाए थे, लेकिन वह अब भी वैसा ही था। यह स्पष्ट था कि बहुत से लोग हजारों या दसियों हजार वर्षों से इस क्षेत्र में अटके हुए थे। हालांकि अगर वह बेनाम डाओ कॉलेज की शक्ति उधार ले सकता है तो उसकी ताकत निश्चित रूप से तेजी से बढ़ेगी। केवल तभी वह थोड़े समय में एबिसल दानव मास्टर, दिव्य संघ के नेता और अन्य लोगों के खिलाफ संघर्ष करने में सक्षम होगा। उन्होंने येमो को इस विचार के बारे में बताया और येमो भी उन्हें नामलेस डाओ कॉलेज में देखने के लिए जाने के लिए तैयार हो गए। जहां तक उजाड़ कल्प की खोज का सवाल है, इसे उसी समय पूरा किया जा सकता था। वास्तव में जैसा कि राजकुमारी तियानकिंग ने कहा था, आधे महीने से भी कम समय में नामलेस डाओ अकादमी की घटना अचानक सुनामी की तरह फैल गई, जो तुरंत पूरी गहन दुनिया में फैल गई। ऐसा लग रहा था कि पदानुक्रम के निचले भाग के आम लोग भी एक पल में नामलेस डाओ कॉलेज के बारे में जान गए थे। हजारों वर्षों के दौरान समय बीतने के साथ साथ बेनाम डाओ कॉलेज हर किसी की नजरों से ओझल हो गया। हालांकि ऐसा लग रहा था जैसे सारी यादें रातों रात जाग गई हों।
कई पुराने राक्षस जो कई वर्षों से सो रहे थे अचानक जाग गए और बेनाम डाउ कॉलेज के मामले पर चर्चा करने लगे। समय बीतने के साथ नामलेस डाउ कॉलेज के बारे में भी सब कुछ खोद दिया गया। यह ऐसा था मानो वे यादें जो उनके दिमाग की सबसे गहरी तहों में सुप्त थी अचानक भड़क उठी। एक ही पल में बेनाम डाउ कॉलेज के बारे में बहुत सी खबरें फैल गईं। इस समय कई लोगों को अचानक एहसास हुआ कि नामलेस डाउ कॉलेज के वास्तव में इतने सारे विशेषज्ञ थे। पिछले दिनों नामलेस डाउ कॉलेज से कई मशहूर लोग आए थे। यहाँ तक दिव्य संघ के नेता जो रहस्यमय दुनिया में नंबर एक व्यक्ति थे पिछले दिनों नामलेस डाउ कॉलेज से आए थे। यहाँ तक वे उस समय नामलेस डाउ कॉलेज के छात्रों में नंबर एक व्यक्ति थे। उसके बाद उन्होंने केवल कुछ हजार वर्षों में दिव्य संघ की स्थापना की थी और आज तक दिव्य संघ का विकास किया है। एक पल में नामलेस डाउ कॉलेज का मामला येजिवेन और जून डिंटियन के मामले पर हावी हो गया जो मूल रूप से संघर्ष के केंद्र में था। यह सबसे चर्चित विषय बन गया। येजिवेन ने केवल ईश्वरीय संघ का अपमान किया था और जून डिंटियन केवल एक ईश्वर का पुनर्जन्म था। इसकी तुलना नामलेस डाउ कॉलेज के उद्घाटन से भी नहीं की जा सकती। बेनाम डाउ कॉलेज ने एक या दो से अधिक भगवानों का पालन पोषण किया था। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि केवल एक जून डिंटियन था लेकिन नामलेस डाउ कॉलेज सैकड़ों लोगों को दाखिला लेने के लिए स्वीकार कर सकता था। हाँ, अनाम डाउ कॉलेज सैकड़ों लोगों को स्वीकार कर सकता था और ये लोग इस युग के सबसे उत्कृष्ट लोग भी थे। हर बार यह केवल थोड़ा ही होता लेकिन यह कभी भी बहुत अधिक नहीं होता। हर बार नामलेस डाउ कॉलेज खुलता था यह 10 साल तक चलता था। इन 10 वर्षों के दौरान ये सैकड़ों लोग अक्सर छलांग और सीमा में सुधार करेंगे। वे युवा पीढ़ी के उत्कृष्ट लोगों से रहस्यमय दुनिया के स्तंभों की तरह अस्तित्व में बढ़ेंगे। इसके अलावा हर बार नामलेस डाउ कॉलेज खुलने पर 20 निमंत्रण कार्ड अग्रिम रूप से भेजे जाते थे। ये 20 लोग प्रवेश परीक्षा दिए बिना कॉलेज में प्रवेश कर सकेंगे और सीधे निमंत्रण पत्र के साथ नामलेस डाउ कॉलेज जा सकेंगे। हर बार 20 लोगों की सूची ध्यान का केंद्र बन जाती। इस बार भी ऐसा ही था। असंख्य लोग इस बात पर ध्यान दे रहे थे कि ये 20 निमंत्रण पत्र किसे प्राप्त होंगे। 20 निमंत्रणों ने शुरू से ही असंख्य लोगों का ध्यान आकर्षित किया था। हर बार नामलेस डाउ कॉलेज ने शिष्यों की भर्ती के लिए अपने दरवाजे खोले, वहां 100 से भी कम लोग थे। ये 20 लोग फसल की मलाई थे। जब तक वे समय से पहले नहीं मरे वे मूल रूप से ऐसी आकृतियां थी जो स्वर्ग और पृथ्वी को हिला सकती थी। उनमें से कुछ अंत में अपने DAO को साबित करने में भी कामयाब रहे। इस प्रकार हालांकि नामलेस डाउ कॉलेज ने बहुत से लोगों को भर्ती नहीं किया और उन्हें अक्सर भर्ती नहीं किया, यह कहा जा सकता है कि उनके पास पूरी दुनिया में छात्र थे। इसके अलावा वे सभी विशेषज्ञ थे। इस प्रकार बहुतों की दृष्टि में ये 20 निमंत्रण केवल निमंत्रणों की तरह सरल नहीं थे। उन्होंने बहुत सारे अर्थों का भी प्रतिनिधित्व किया जिसमें सबसे मजबूत कौन था। जिन लोगों को नामलेस डाउ कॉलेज द्वारा आमंत्रित किया जा सकता था वे व्यवहारिक रूप से अपने आयु वर्ग में सबसे मजबूत थे। इस अर्थ से कोई भी इतनी आसानी से हार मानने को तैयार नहीं था। रहस्यवादी दुनिया में वर्चस्व के लिए प्रतिस्पर्धा करने और शाश्वत जीवन के रहस्यों की खोज करने के लिए विभिन्न कुलों के लगभग सभी रहस्यवादी दायरे के कौतुक इकट्ठे हुए थे। अन्य दुनिया में इनमें से किसी एक व्यक्ति को अजेय कौतुक माना जाएगा। हालांकि मिस्टिक वर्ल्ड में विशेष रूप से नामलेस डाउ कॉलेज के सामने उन्होंने यह कहने की हिम्मत नहीं की कि वे निश्चित रूप से नामलेस डाउ कॉलेज से 20 निमंत्रण प्राप्त करने में सक्षम होंगे। उनमें से हर एक या तो प्रसिद्ध या शक्तिशाली था। जैसे जैसे निमंत्रण एक एक करके उजागर होते गए इन लोगों के नाम तुरंत दुनिया भर में फैल गए। वे मूल रूप से बहुत प्रसिद्ध थे लेकिन उनमें से किसी ने भी कभी भी बेनाम डाउ कॉलेज की मान्यता प्राप्त नहीं की थी और इस तरह दुनिया भर में अपना नाम जाना। जैसे जैसे ये नाम एक एक करके उजागर होते गए वैसे वैसे उनके कर्म भी निमंत्रणों के साथ साथ पूरे विश्व में फैलते गए। उनमें से कुछ ने खुलासा किया कि उनके पास निमंत्रण था जबकि अन्य ने खुलासा किया कि उनके पास निमंत्रण था। 20 निमंत्रण एक के बाद एक फैल गए। हालांकि बहुत से लोग यह स्वीकार नहीं कर सके कि वे सूची में क्यों नहीं आ सके, उन्हें यह स्वीकार करना पड़ा कि निमंत्रण वाले ये लोग वास्तव में शक्तिशाली थे। विभिन्न कुलों के कई विशेषज्ञ थे। उनमें से प्रत्येक का अजेय युद्ध रिकॉर्ड था। उनमें से कई ने दावा किया कि जब से उन्होंने खेती करना शुरू किया है तब से उन्होंने एक भी लड़ाई नहीं हारी है। उनमें अकेले हार की तलाश करने की प्रवृत्ति थी क्योंकि वे शायद ही कभी एक दूसरे के साथ लड़े, या यह कहा जा सकता है कि वे जीवन और मृत्यु की लड़ाई में कभी शामिल नहीं हुए थे। हमेशा उनकी ताकत के बारे में अफवाहें थी लेकिन कोई भी वास्तव में इसकी पुष्टि नहीं कर सका। 20 आमंत्रणों में कुछ नए चेहरे थे जिन्होंने और भी अधिक ध्यान आकर्षित किया। 20 निमंत्रणों में से जून डिंटियन, जिसने कुछ समय पहले तूफान खड़ा कर दिया था, स्वाभाविक रूप से उनमें से एक था। उन्हें अद्वितीय प्रतिभा और खेती के आधार के साथ एक देवता के पुनर्जन्म के रूप में जाना जाता था। ऐसे व्यक्ति को तब तक कोई बाधा नहीं होगी जब तक कि वह अपनी साधना के एक निश्चित स्तर तक पहुंचने से पहले अपने पिछले जीवन की स्मृतियों को जगाता रहे।
इसलिए न केवल जून डिंटियन के पास निमंत्रण था बल्कि वह सबसे पहले उजागर भी हुआ था। बाद में ऐसी अफवाहें थीं कि जून डिंटियन इस निमंत्रण के कारण हुआन विश्वयुद्ध क्षेत्र में भाग गए थे। नामलेस डाओ कॉलेज में प्रवेश लेना उस स्थिति में सबसे बुद्धिमान विकल्प था जहां स्वर्ग या नरक में जाने का कोई रास्ता नहीं था। नामलेस डाओ कॉलेज की अनूठी प्रकृति के कारण दुनिया की कई शक्तिशाली विरासतें कमोबेश नामलेस डाओ कॉलेज से संबंधित थी। रहस्यवादी दुनिया के कई विशेषज्ञों के लिए यह एक पवित्र भूमि के बराबर था। बेनाम डाओ कॉलेज में कौन गुस्ताखी करने की हिम्मत करेगा। यहाँ तक वे पुराने राक्षस जो कई वर्षों से प्रसिद्ध थे उसके नामलेस डाओ कॉलेज में भाग जाने के बाद उसका पीछा करने की हिम्मत नहीं हुई। यहाँ तक कई पुराने राक्षस भी थे जो नामलेस डाओ कॉलेज से आए थे और जानते थे कि नामलेस डाओ कॉलेज कितना अथाह है। कौन इस समय गुस्ताखी करने की हिम्मत करेगा। एक देवता के पुनर्जन्म के रूप में उनकी पहचान और उनकी अत्याचारी ताकत के साथ उनके लिए 20 निमंत्रणों में से एक प्राप्त करना बहुत सामान्य था। एकमात्र समस्या यह थी कि अपेक्षाकृत बोलते हुए वह थोड़े समय के लिए ही खेती कर रहा था, या बल्कि यह उसके लिए बहुत कम समय था कि वह वास्तव में एक शानदार उपलब्धि के साथ दुनिया को विस्मित कर सके। वह दूसरों की तरह गौरवशाली नहीं था, इसलिए कुछ लोग उससे कमोबेश असंतुष्ट थे। जैसे जैसे अधिक से अधिक निमंत्रण भेजे गए, अधिक से अधिक प्रतिभाएं सबके सामने प्रकट हुई। उनमें से कुछ को उम्मीद के मुताबिक निमंत्रण मिला, लेकिन कुछ ऐसे भी थे जिन्हें नहीं मिला। भले ही वे लंबे समय तक प्रसिद्ध रहे हों और अतुलनीय रूप से शक्तिशाली हों, फिर भी उन्हें निमंत्रण नहीं मिला। इन प्रतिभाओं के लिए जिन्हें जीनियस के रूप में भी स्थान दिया गया था, उन्हें निमंत्रण न मिल पाना एक बहुत बड़ा अपमान था। इसलिए कई लोगों की निगाहें उन लोगों पर टिकी होती हैं जिन्हें पहले से ही नेता मिल चुका होता है। उनमें से कई अपनी ताकत साबित करने के लिए नामलेस डाओ कॉलेज के दरवाजे तक गए। वे ही थे जिन्हें वास्तव में निमंत्रण मिला था। जिन लोगों को नेता मिला था उनसे निपटना भी आसान नहीं था। वे सभी अपने साथियों के बीच युद्ध में कठोर और अजेय थे। वे उन्हें इतनी आसानी से निमंत्रण कैसे दे सकते थे, इसलिए तुरंत ही बहुत सारी ध्यान आकर्षित करने वाली लड़ाइयां छिड़ गईं। चूंकि 20 निमंत्रण एक के बाद एक सामने आ रहे थे, बेनाम डाओ कॉलेज के निमंत्रणों का मामला समाप्त हो जाना चाहिए था। कौन जानता था कि खबर का एक टुकड़ा तुरंत रहस्यमय दुनिया में खलबली मचा देगा। नामलेस डाओ कॉलेज ने जनता के लिए घोषणा की कि विशेष परिस्थितियों के कारण वे 20 निमंत्रणों के लिए एक अतिरिक्त निमंत्रण जारी करेंगे। इस निमंत्रण का मालिक कोई और नहीं बल्कि ये जेवेन था, जिसने जून डिंटियन की तरह पहले पूरी रहस्यमय दुनिया को उल्टा कर दिया था। हालांकि वह जून डिंटियन की तरह नहीं था जिसने रहस्यमय दुनिया में सभी प्रमुख ताकतों को जुटाया था, फिर भी उसने दिव्य संघ और उससे जुड़े लोगों को उल्टा कर दिया था। कुल मिलाकर सैकड़ों गहन जीवन क्षेत्र विशेषज्ञ गिर गए थे, जबकि 3 गहन मृत्यु क्षेत्र विशेषज्ञ दुखद रूप से मर गए थे। इसने उनके और ईश्वरीय मिलन के बीच एक अपूरणीय शत्रुता पैदा कर दी थी। ऐसी परिस्थितियों में येक्षिवेन ने पहले ही काफी ध्यान आकर्षित कर लिया था। जब इस अतिरिक्त निमंत्रण की घोषणा की गई तो बहुत से लोग और भी चौंक गए। वास्तव में येक्षिवेन कौन थी? यह उसे मिले 20 निमंत्रणों से भी अधिक चौंकाने वाला था। यह अजीब नहीं होता अगर वह 20 निमंत्रणों में से एक होता। हालांकि वह लंबे समय से रहस्यमयी दुनिया में नहीं था, फिर भी उसने दैवीय मिलन को भड़काने का साहस किया और सफलतापूर्वक बच निकला। यह अपने आप में पहले से ही अपनी नींव स्थापित कर चुका था। हालांकि उन्होंने वास्तव में नामलेस डाओ कॉलेज को 20 निमंत्रणों के लिए एक अतिरिक्त निमंत्रण जारी किया था। वह वास्तव में कौन था? यह ज्ञात होना चाहिए कि नामलेस डाओ कॉलेज कई वर्षों से अस्तित्व में था और उसने एक व्यक्ति के कारण कभी भी अतिरिक्त आमंत्रण जारी नहीं किया था। हालांकि यह ज्ञात नहीं था कि क्या कोई और ऐसा करने में सक्षम था, यह कम से कम अभूतपूर्व था। यहाँ तक दिव्य संघ के वर्तमान नेता, जिन्हें रहस्यमय दुनिया में नंबर एक व्यक्ति के रूप में जाना जाता था, ने भी इस तरह के उपचार का आनंद नहीं लिया था। जैसे ही यह खबर फैली, येक्षिवेन, जिसने धीरे धीरे एक लो प्रोफाइल रखना शुरू कर दिया था, तुरंत तूफान की आंखों में एक आकृति बन गई। वह वास्तव में कौन था? वह बेनाम डाओ कॉलेज को अपने अस्तित्व को स्वीकार करने और एक अतिरिक्त आमंत्रण जारी करने में सक्षम क्यों था? उसके पास क्या योग्यता थी, विशेष रूप से जिन्हें निमंत्रण न मिलने के कारण अनकही कठिनाइयों का सामना करना पड़ा था? उन्होंने तुरंत हंगामा करना शुरू कर दिया। उन सभी ने येक्षिवेन को अपने पक्ष में एक कांटा के रूप में देखा। उन्हें अभी तक निमंत्रण भी नहीं मिला था। येक्षिवेन को डिप्लोमा कब मिलेगा? क्यों? जिन लोगों ने जीनियस होने का दावा किया था, बल्कि जीनियस होने का दावा किया था, उन्होंने येक्षिवेन में गहरी दिलचस्पी विकसित कर ली थी। हालांकि येक्षिवेन ने पहले कई लोगों का ध्यान आकर्षित किया था क्योंकि उसने दिव्य संघ को उकसाया था। इन प्रतिभाओं की नजर में यह एक बाघ के बिना पहाड़ में एक बंदर का हास्यास्पद व्यवहार था। क्या ईश्वरीय मिलन का अपमान करना इतना आसान था? उन्हें डर था कि उन्हें ईश्वरीय संघ के विशेषज्ञों के हाथों मरने में देर नहीं लगेगी। हालांकि जिस चीज ने वास्तव में उनकी भौहें चढ़ा दी वह थी नामलेस डाओ कॉलेज से अतिरिक्त आमंत्रण। खास वजह,
अतिरिक्त निमंत्रण किस प्रकार के विशेष कारण से जारी किया जा सकता है? उनमें से किसी को भी यह विशेष कारण नहीं मिला था, फिर भी येजिवेन को वास्तव में यह विशेष उपचार मिला था। यह 20 निमंत्रण पत्रों से भी अधिक आकर्षक था। यहाँ तक जिन लोगों को निमंत्रण पत्र प्राप्त हुए थे और वे कई वर्षों से प्रसिद्ध थे, उन्हें भी कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा था। इस अतिरिक्त निमंत्रण पत्र की तो बात ही छोड़ दें। देखते ही देखते कई लोग भड़क गए। मूल रूप से ईश्वरीय मिलन और ईश्वरीय मिलन पुरस्कार का लालच करने वालों के अलावा बहुत से लोगों ने येजिवेन के ठिकाने की वास्तव में परवाह नहीं की। हालांकि नाम सूची की घोषणा और येजिवेन के निमंत्रण कार्ड की उपस्थिति के कारण वह सीधे पूरी रहस्यमयी दुनिया का ध्यान केंद्रित हो गया था। कई युवा जीनियस यह साबित करने के लिए कि वे कमजोर नहीं थे, एक के बाद एक येजिवेन की खोज शुरू कर दी। ऐसा लग रहा था जैसे वे उसे खोजने और उसे हराने के लिए दृढ़ थे, यह साबित करने के लिए कि उनकी ताकत वास्तव में इस विशेष उपचार के योग्य थी। कई प्रतिभावान लोगों ने खुले तौर पर येजिवेन के बाहर आने की मांग की। उन्होंने येजिवेन को ठीक से समझने देने में कोई आपत्ति नहीं की कि प्रवेश करने के लिए वास्तव में योग्य होने का क्या मतलब है। धीरे धीरे जनमत की यह लहर एक अदृश्य हाथ के नियंत्रण में बदलने लगी। कुछ प्रतिभावानों ने खुले तौर पर घोषणा की कि यदि येजिवेन समझदार थे तो वे जल्द से जल्द निमंत्रण कार्ड सौंप देंगे और नामलेस डाउ कॉलेज को सूचित करेंगे कि उनकी प्रतिष्ठा योग्य है, अन्यथा उसे अपना सिर मरोड़ने में कोई आपत्ति नहीं होगी। इस विदेशी नस्ल के जीनियस की बातें कई लोगों के मन में तुरंत गूंज उठी। वे लंबे समय से येजिवेन से नाखुश थे। वह कौन था? उसके पास वास्तव में निमंत्रण कार्ड कैसे हो सकता है? इससे उन सभी को ऐसा महसूस हुआ जैसे उन्होंने अपना सारा चेहरा खो दिया हो। वे अपना मुंह कहाँ रख सकते थे? क्या हक था इस नन्हे इंसान का? इस व्यक्ति के बाद जनता की राय एक ऐसी दिशा में झुकना शुरू हुई जो येजिवेन के लिए नुकसानदेह थी। मूल रूप से वे केवल येजिवेन की योग्यताओं पर चर्चा कर रहे थे और वे यह अतिरिक्त निमंत्रण पत्र क्यों प्राप्त कर सकते थे। हालांकि स्वर धीरे धीरे बदल गया। ऐसा लग रहा था जैसे रात भर में वे चर्चा कर रहे थे कि क्या येजिवेन खुद को बड़ा चढ़ाकर पेश कर रही थी या एक मंत्रीरथ को रोकने की कोशिश कर रहा था। जहाँ तक येजिवेन की बात है, उन्हें केवल आमंत्रित किया गया था। यह मामला कुछ ऐसा नहीं था जिसे वे तय कर सकते थे, इसलिए इसे लोगों के दिमाग के पीछे भी डाल दिया गया। उनके लिए यह महत्वपूर्ण नहीं था। जो महत्वपूर्ण था वह यह था कि येजिवेन ने वास्तव में इसे इतनी सहजता से स्वीकार करने का साहस किया था। कम से कम वह इसे अस्वीकार करने नहीं आया था। कई लोगों की नजर में यह पहले से ही एक जघन्य अपराध था। जैसे जैसे यह मामला बढ़ता गया, येजिवेन का नाम भी सभी के मुंह में आने लगा। मैंने सुना है कि किसी ने नामलेस डाउ कॉलेज के निमंत्रण को लापरवाही से स्वीकार कर लिया है। ऐसा लगता है आजकल लोग अधिक से अधिक सती और अहंकारी होते जा रहे हैं। क्या वह वास्तव में सोचते हैं कि किसी को भी यह निमंत्रण मिल सकता है? मैंने सुना है कि उसने यह भी कहा कि वह इसके लायक है और बाकी सभी को चुप रहने के लिए कहा। मैंने सुना है कि उन्होंने यह भी कहा कि निमंत्रण प्राप्त करने वाले 20 लोगों में से कोई भी उनकी तुलना नहीं कर सकता है और अन्य लोगों को चिंता करने की कोई बात नहीं है। अफवाहें अधिक से अधिक हास्यास्पद हो रही थी। येजिवेन शुरू में कुछ भी समझाने के लिए उपस्थित नहीं हुए थे, लेकिन जैसे ही अफवाहें फैली यह बन गया कि वह घोषणा कर रहे थे कि दूसरों को चिंता करने की कोई बात नहीं थी। संक्षेप में येजिवेन धीरे धीरे ऐसा व्यक्ति बन गया था जिसने खुद को कमाका था। बहुत से लोग सवाल करने लगे कि इतना तुच्छ और अति आत्मविश्वासी व्यक्ति नामलेस डाउ कॉलेज के निमंत्रण को स्वीकार करने के योग्य क्यों था। बेनाम डाउ कॉलेज इस तरह के संदेह के जवाब में आगे की व्याख्या करने की जहमत नहीं उठा सका। क्या मजाक, उन्हें अपनी मंशा और मंशा दूसरों को समझाने की जरूरत कब से पड़ गई? ऐसी कोई संभावना नहीं थी। ऐसा नहीं लगता कि येजिवेन इन अफवाहों से जरा भी विचलित नहीं हुई। वह केवल मुस्कुराया। यह मानव हृदय था। ऐसे कई लोग थे जिन्हें निमंत्रण मिला था। भले ही उन्हें एक प्रतिष्ठापन निमंत्रण मिला होता, इससे इतना बड़ा हंगामा नहीं होता। मूल कारण यह था कि उसकी नींव उथली थी। हालांकि उसने 3 ईश्वरीय संघ गहन मृत्यु क्षेत्र के विशेषज्ञों का वध किया था, फिर भी यह उनके लिए बहुत उथला था। यह बहुत ज्यादा नहीं था। उन लोगों की तुलना में जिन्होंने समय के साथ अपनी ताकत जमा की थी, येजिवेन एक नव धनाढ्य की तरह थी। प्राचीन बेरेंस में उनकी पिछली उपलब्धियों को संभवतः रहस्यमयी दुनिया में प्रेषित नहीं किया जा सकता था। इसलिए उनके लिए येजिवेन उस नव धनाढ्य व्यक्ति से अलग नहीं था जो कहीं से भी प्रकट हुआ था। यदि यह प्राचीन बेरेंस महाद्वीप होता तो किसी को इस तरह का संदेह कैसे हो सकता था? सब कुछ स्वाभाविक था। उनकी तुलना में हालांकि अन्य 20 लोगों को जिन्हें निमंत्रण मिला था उन्हें भी संदेह था। ऐसा इसलिए नहीं था क्योंकि उनके पास इसे प्राप्त करने की योग्यता नहीं थी। कई जीनियस सिर्फ यह साबित करना चाहते थे कि वे उनसे ज्यादा योग्य हैं। संक्षेप में वे अभी भी उसी घेरे में थे। येजिवेन के विपरीत जो अचानक प्रकट हुए थे और उन्हें उनके लिए एक बाहरी व्यक्ति माना गया था। यह मानव हृदय था। इन वर्षों में लू युन्यांग ने कई बार इस तरह की घटना होते देखी थी, इसलिए उसने इन अफवाहों को दिल पर नहीं लिया।
हालांकि उन्होंने ईश्वरीय संघ को नाराज कर दिया था, इसलिए दैवीय संघ के विशेषज्ञ लगातार उनका शिकार कर रहे थे। ईश्वरीय संघ हजारों वर्षों से काम कर रहा था और उनका जाल पहले से ही रहस्यमय दुनिया के हर कोने में फैल चुका था। ईश्वरीय मिलन से छिपना पहले से ही बहुत तकलीफदेह था। एक महीने से भी कम समय में वह पहले ही कई बार खोजा जा चुका था। दोनों पक्षों के बीच तीव्र संघर्ष छिड़ गया था और हर बार बड़ी संख्या में दिव्य संघ के विशेषज्ञ टेलीपोर्टेशन सरणी के माध्यम से पहुंचेंगे। येजीवेन ने हमेशा लड़ाइयों को जल्दी खत्म कर दिया था और रुकने की हिम्मत नहीं की थी, अन्यथा वह जल्द ही बड़ी संख्या में दिव्य संघ के विशेषज्ञों से घिरा होगा। जैसा कि वे येजीवेन के युद्ध रिकॉर्ड के बारे में जानते थे, डिवाइन यूनियन द्वारा भेजे गए विशेषज्ञ सभी गहन मृत्यु क्षेत्र के विशेषज्ञ थे। यहाँ तक कि एक चरम गहन मृत्यु क्षेत्र विशेषज्ञ भी था जो येजीवेन का पीछा करने के प्रभारी थे। उनकी वर्तमान ताकत को देखते हुए उनके लिए एक शिखर गहन मृत्यु क्षेत्र विशेषज्ञ को हराना असंभव था। हालांकि लगातार इस तरह पीछा किए जाने के कारण उसके पास ठीक से बसने और सफलता हासिल करने का समय नहीं था। इससे सीधे तौर पर उनकी खेती ठप हो गई थी। पिछले एक महीने में उसकी खेती बिल्कुल भी नहीं जुटी थी। वास्तव में वह अभी भी पूर्ण प्रारंभिक गहन जीवन चरण के शिखर से काफी दूर था। इस वजह से वह बेहद चिढ़ा हुआ था। यदि ऐसा ही चलता रहा तो वह दिन दूर नहीं जब वह अपनी प्रगति की कमी के कारण अपंग हो गया। पूरे इतिहास में इस तरह की बहुत सारी प्रतिभाएं थी। अंत में वे इतिहास की धूल में डूब गए। इस अवधि के दौरान वह पहले से ही मिस्टीरियस वर्ल्ड में कई जगहों पर लड़ चुका था, लेकिन वह अभी भी बेहद नाराज था। उसने जल्दी से निर्णय लिया। उसे इन कष्टप्रद मक्खियों से छुटकारा पाने का उपाय सोचना था। बस ईश्वरीय मिलन के लोग ही उसे बेहद नाराज करने के लिए काफी थे। इसके अलावा जो जीनियस उसे निशाना बना रहे थे, उनके पीछे बेहद शक्तिशाली ताकतें थी। भूमि, साहचर्य, तकनीक और धन खेती के चार मुख्य तत्व थे और वे उनमें स्पष्ट रूप से परिलक्षित होते थे। भूमि शब्द उनके पीछे की शक्तियों को संदर्भित करता है। उन्हें शक्तिशाली ताकतों का समर्थन प्राप्त था। भले ही वे दैवीय संघ की तरह अत्याचारी नहीं थे और दैवीय संघ की तरह उसका शिकार करने के लिए बाहर नहीं जाएंगे, इतनी सारी ताकतों के साथ उसे वास्तव में ऐसा लगा जैसे वह बच नहीं सकता। उसे वास्तव में ऐसा लगा जैसे स्वर्ग का जाल चौड़ा है, लेकिन वह उसे बचने नहीं देगा। इस अवधि के दौरान वह पहले ही काफी हमले का सामना कर चुका था। वह नहीं जानता था कि उन्होंने उसकी पटरियां कहां खोजी थी, लेकिन उन्होंने वास्तव में उसके खिलाफ योजना बनाई थी और उसका पीछा किया था। यदि ऐसा ही चलता रहा तो दिव्य संघ को अपंग होने से पहले कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं होगी। जब ऐसा हुआ तो वह वास्तव में मजाक का पात्र बन जाएगा और हर किसी के द्वारा याद किया जाएगा। इसलिए मिस्टीरियस वर्ल्ड के उत्तरी भाग में जाने और आदिम मानव जाति के पूर्वजों की तलाश करने की उनकी मूल योजना को अभी के लिए अलग रखा जाना था। उसने इसके बारे में सोचा और पहले मिस्टीरियस वर्ल्ड बैटलफील्ड में जाने का फैसला किया। यह एकमात्र ऐसी जगह हो सकती है जहां बल अपने जालों का विस्तार नहीं कर सके। मिस्टीरियस वर्ल्ड बैटलफील्ड में सभी प्रकार की क्रूर लड़ाइयां थी और वहां पैर जमाने का कोई तरीका नहीं था। नामलेस डाउ कॉलेज के अलावा अन्य बलों ने भी वहां लोगों को भेजा था, लेकिन किसी ने यह कहने की हिम्मत नहीं की कि उन्होंने वहां पैर जमा लिए हैं। जून डिंटियन ने उन क्रूर दुश्मनों से बचने के लिए रहस्यमय विश्व युद्ध क्षेत्र में प्रवेश किया। यह एक विचार था जिसका वह उपयोग कर सकता था। जब उसने मिस्टीरियस वर्ल्ड में जाने का फैसला किया तो बाहरी दुनिया में तूफान नहीं थमा। इसके विपरीत नामलेस डाउ कॉलेज के पहाड़ के खुलने से हुआ हंगामा तो बस शुरुआत थी। केवल 20 लोग थे जिन्हें निमंत्रण मिला था और केवल येजीवेन को नामलेस डाउ कॉलेज से अतिरिक्त निमंत्रण मिल सकता था। सभी को यह स्वीकार करना पड़ा भले ही वे इच्छुक हो या नहीं। इन 20 लोगों के अलावा अभी भी 80 वास्तविक स्थान थे। ये 80 स्थान निश्चित नहीं थे और वे सभी मिस्टीरियस वर्ल्ड बैटलफील्ड के विभिन्न कोनों में वितरित किए गए थे। इन 80 स्थानों में से प्रत्येक को 80 टोकन द्वारा दर्शाया गया था। केवल नामलेस डाउ कॉलेज से ये टोकन प्राप्त करके ही अन्य 20 लोगों की तरह नामलेस डाउ कॉलेज में अध्ययन करने के लिए प्रवेश किया जा सकता है। ये 80 धब्बे पूरे प्रोफाउंड वर्ल्ड बैटलफील्ड में बिखरे हुए थे जिनका कोई निश्चित स्थान नहीं था। पिछले अनुभव के अनुसार वे किसी भयानक और अद्वितीय राक्षस की मांद में हो सकते हैं या सड़क के किनारे चलते समय वे उन पर ठोकर खा सकते हैं। उन्हें प्राप्त करने के कई तरीके थे, इसलिए बहुत से लोग पहले ही रहस्यमय विश्व युद्ध क्षेत्र में भाग गए थे। वे जीनियस जो 20 लोगों को चुनौती देने के लिए तैयार नहीं थे, वे केवल यह साबित करना चाहते थे कि वे किसी और से कमतर नहीं थे। हालांकि वे यह भी समझ गए थे कि मिस्टीरियस वर्ल्ड बैटलफील्ड में बिखरे हुए 80 स्थान विजेता का निर्धारण करेंगे। अब जबकि एक को येजीवेन ने ले लिया था, तब भी 79 स्थान बाकी थे। इन लोगों की तुलना में जीतने की संभावना निस्संदेह बहुत अधिक थी। एक पल के लिए पूरा मिस्टीरियस वर्ल्ड बैटलफील्ड हलचल कर रहा था। यद्यपि रहस्यमय विश्व युद्ध क्षेत्र में कई विशेषज्ञ साधना कर रहे थे, अधिकांश समय केवल कुछ ही लोग वहां होंगे।
ऐसी स्थिति में जहां रहस्यमयी दुनिया के आधे से अधिक विशेषज्ञ एकत्रित थे, यह तभी संभव था जब नामलेस डाउ कॉलेज ने शिष्यों की भर्ती के लिए अपने पहाड़ी द्वार खोले। उनमें से कुछ येजेवेन को निशाना बना रहे थे, कुछ नामलेस डाउ कॉलेज की जगह को निशाना बना रहे थे और कुछ जून डिंगटेन को निशाना बना रहे थे। कई अलग अलग लोग थे और यह बेहद अराजक था। येजेवेन के अपने दानव पंख फैलाने के बाद उसकी गति बहुत तेज थी। 10 दिनों से भी कम समय में वह पहले ही आधे से अधिक रहस्यमयी दुनिया को पार कर चुका था। मिस्टीरियस वर्ल्ड बैटलफील्ड पूरे मिस्टीरियस वर्ल्ड के केंद्र में स्थित था। द नेशन ऑफ डार्कनेस मिस्टीरियस वर्ल्ड के किनारे पर स्थित था। अगर कोई मिस्टीरियस वर्ल्ड बैटलफील्ड में जाना चाहता है तो उसे मिस्टीरियस वर्ल्ड के आधे से ज्यादा हिस्से को पार करना होगा। रास्ते में येजेवेन ने महसूस किया कि कई अत्याचारी विशेषज्ञ रहस्यमयी दुनिया में छिपे हुए हैं। उसे एक रहस्यमय क्षेत्र के विशेषज्ञ के छिपे होने का एहसास होने में देर नहीं लगी। यदि यह प्राचीन वीरानी में होता तो यह पूरी तरह से अकल्पनीय होता। प्राचीन वीरानी में कोई भी रहस्यमय क्षेत्र विशेषज्ञ एक दबंग अस्तित्व था। उनमें से प्रत्येक एक बहुत बड़े क्षेत्र पर कब्जा कर सकता है। सामान्य दिनों में इस बात की बहुत संभावना थी कि वे एकांत में छिप जाते और दूसरों के संपर्क में कभी नहीं आते। वहां ऐसी एकाग स्थिति होना बिल्कुल असंभव था। केवल रहस्यमयी दुनिया में, जहां असंख्य स्वर्गों और लोकों में आधे से अधिक रहस्यमय क्षेत्र के विशेषज्ञ एकत्रित हुए थे, क्या यह संभव होगा? 10 दिन बाद वह अंत में रहस्यमय विश्व युद्ध क्षेत्र के किनारे पर आ गया। जब वह मिस्टीरियस वर्ल्ड बैटलफील्ड के किनारे पर पहुंचे तो उन्हें अचानक लगा कि पूरा मिस्टीरियस वर्ल्ड बैटलफील्ड एक टूटी हुई दुनिया की तरह है। शीशे की तरह टूट गया। कई जगहों पर टूटे हुए पहाड़ और ऊंची ऊंची चोटियां देखी जा सकती थी। वे टूटे हुए शीशे के टुकड़ों की तरह थे जो अलग अलग दुनिया में बनते हुए थे। स्थानिक दरारें खुली और बंद हुई, खुद को वापस एक साथ जोड़ने की कोशिश कर रही थी, लेकिन इसका कोई फायदा नहीं हुआ। वास्तव में अभी भी कई पूरी तरह से अलग अलग नामांकित कानून थे जो शून्य में लड़ रहे थे। यह उन विशेषज्ञों की तरह लग रहा था जो कई साल पहले यहाँ लड़े थे। इस समय कोई नहीं जानता था कि वे कहाँ थे या यदि वे पहले ही मर चुके थे। हालांकि उनकी लड़ाई से छिटकने वाले नामात्र के कानून अब तक एक दूसरे से लड़ रहे थे। कोई पूरी तरह से कल्पना कर सकता है कि किस तरह के विशेषज्ञ अपने पीछे ऐसे भयानक निशान छोड़ गए होंगे। यहाँ तक वर्तमान येजेवेन भी भविष्य में 10,000 साल, 1,00,000 साल या उससे भी अधिक समय तक युद्ध के नियमों के निशान नहीं छोड़ सका। जब उन्होंने रहस्यमयी दुनिया के युद्ध क्षेत्र में कदम रखा तो उन्होंने तुरंत कानूनों की एक बड़ी फाड़ने वाली शक्ति महसूस की। आकाश में लड़ रहे कई अज्ञात कानूनों के अलावा यहाँ तक स्वर्ग और पृथ्वी के बीच मूल रूप से सिद्ध कानून भी पूरी तरह से बाधित हो गए थे। कुछ टूट गए, कुछ विस्थापित हो गए और कुछ को पूरी तरह से कुचलकर चूर चूर कर दिया गया। नतीजतन अंगिनत अशांत धाराएं उसके शरीर पर लगातार आंसू बहा रही थी, मानो वे उसे टुकड़े टुकड़े कर देना चाहती हों। दूर से देखने पर यह बस उजाड़ने का दृश्य था। येजेवेन की अभिव्यक्ति अपरिवर्तित रही। उन्होंने पहले भी 2 बार ऐसा सीन क्रिएट किया था। पहली बार डायमंड आइलैंड पर हुआ था जहां ऐसा ही नजारा था। दूसरी बार ट्रूफोस डोमेन में देवताओं के युद्ध के मैदान में था और यह बिल्कुल वैसा ही था। शक्तिशाली अस्तित्वों ने पूरे युद्ध क्षेत्र के स्थान को भी विकृत और खंडित कर दिया, जिससे इसे पुनर्प्राप्त करना असंभव हो गया। उसने अपनी आंखें सिकोड़ ली और उसका शरीर धीरे धीरे इस तरह की स्थानिक विकृति के अनुकूल हो रहा था। वह महसूस कर सकता था कि इन स्थानिक विकृतियों की शक्ति आकाशीय क्षेत्र के नीचे मौजूद अस्तित्व को सीधे मौके पर विस्फोट करने के लिए पर्याप्त थी। जो इतने मजबूत नहीं थे वे यहां जीवित नहीं रह सकते थे। लेकिन इसका मतलब यह नहीं था कि जो व्यक्ति जितना मजबूत होगा उसका यहां उतना ही कम असर होगा। इसके विपरीत आकाशीय क्षेत्र के नीचे के लोग यहां जीवित नहीं रह सकते थे, लेकिन आकाशीय क्षेत्र के ऊपर के विशेषज्ञ यहां भी जीवित नहीं रह सकते थे। क्योंकि जब से कानून प्रकटीकरण क्षेत्र ने अपने स्वयं के डोमेन को संघनित किया, योद्धाओं ने पहले से ही खुद को दुनिया से अलग करना और एक होना शुरू कर दिया था। अनंत जीवन का तथाकथित मूल सार यह था कि कैसे 3 लोकों से बाहर छलांग लगाई जाए और 5 तत्वों में न रहे। जब तक कोई दुनिया में था वह अनिवार्य रूप से दुनिया की शक्ति द्वारा नियंत्रित किया जाएगा, और जन्म, बुढ़ापा, बीमारी और मृत्यु वास्तविक समस्याएं थी जिन्हें दुनिया के कानूनों के संचालन में टाला नहीं जा सकता था। इसलिए स्वतंत्र होना ही एकमात्र रास्ता था। कानून के प्रकटीकरण के दायरे से आगे सभी साधना लगातार स्वर्ग और पृथ्वी के वातावरण का अनुकरण कर रही थी और अंत में डोमेन को भगवान के राज्य में बदल रही थी। संक्षेप में परमेश्वर का राज्य पहले से ही एक बिल्कुल नया संसार था। जब तक परमेश्वर की मृत्यु नहीं हुई तब तक परमेश्वर का राज्य अमर रहेगा। और देवता जो दुनिया के बंधनों से मुक्त थे, जब तक कि उनका सामना एक अपरिवर्तनीय बाहरी शक्ति से नहीं हुआ, वे भी अमर अस्तित्व थे। यह ठीक इसी वजह से था कि जब शक्तिशाली योद्धा स्वर्ग और पृथ्वी के बीच चलते थे तो यह स्वर्ग और पृथ्वी के बीच चलने के बराबर था। वे 2 पूरी तरह से अलग दुनिया थे और एक बार मुक्त होने के बाद भयंकर संघर्ष होंगे।
यदि एक शक्तिशाली मार्शल कलाकार निम्न स्तर की दुनिया में चला जाता है या यहाँ तक कुछ अस्थिर रूप स्थान भी अपने डोमेन को मुक्त करके वह दुनिया को नष्ट कर सकता है। दुनिया को नष्ट करने में कोई समस्या नहीं होगी। दुनिया के लिए कोई भी योद्धा मानव शरीर में एक राउंड वॉर्म की तरह एक विधर्मी था। इस राउंड वॉर्म को खत्म करने के लिए हर संभव प्रयास करना चाहिए, नहीं तो शरीर बीमार हो सकता है और दिक्कतें हो सकती हैं। राउंड वॉर्म के लिए पेट में कहर बरपाना भी संभव था। यदि यह दुनिया एक पूर्ण और शक्तिशाली दुनिया होती तो यह इन विधर्मियों को समायोजित करने में सक्षम हो सकती थी, लेकिन अगर यह दुनिया ही पहले से ही गड़बड़ थी तो विभिन्न कानून मार्शल कलाकारों को बुरी तरह से खदेड़ देते। मूल रूप से एक मार्शल कलाकार दुनिया के कानूनों के साथ संघर्ष से बचने के लिए कानूनों की अपनी परिचितता और महारत पर भरोसा कर सकता था, लेकिन अगर कानून तोड़े गए और कानून गड़बड़ हो गए तो जिन कानूनों और कानूनों में उन्हें पहले महारत हासिल थी वे बेकार हो जाएंगे। नतीजतन कृषक जितना मजबूत होता है कानूनों की शक्ति की अस्वीकृति उतनी ही अधिक होती है। एक मार्शल कलाकार जितना अधिक शक्तिशाली होगा इस स्थिति में वे उतना ही असहज महसूस करेंगे। केवल अगर उन्होंने अपने ताव को सिद्ध किया और एक भगवान बन गए तो क्या वे स्वर्ग और पृथ्वी के कानूनों के खिलाफ लड़ने के लिए अपने दिव्य राज्य पर भरोसा कर पाएंगे? उस समय वे बिल्कुल प्रभावित नहीं होंगे। हालांकि ये जिवेन का अत्याचारी शरीर बहुत अत्याचारी था, वह इस स्थान पर भी शीघ्रता से अनुकूलन कर सकता था जहां सिद्धांत विकृत थे। इस तरह की फाड़ने वाली शक्ति की तुलना वास्तविक अंतरिक्ष शांति के काटने वाले बल से नहीं की जा सकती। गर्जन गर्जन गर्जन, ये जिवेन के कानों में कई राक्षसों की दहाड़ सुनाई दी। ध्वनियां अत्यंत शोकाकुल थी और सीधे उनकी आत्मा की गहराई तक पहुंच जाती थी। ये जिवेन की मनस्थिति के साथ भी वह अभी भी थोड़ा डरा हुआ महसूस कर रहा था, और इससे भी ज्यादा भयानक बात यह थी कि वास्तव में ऐसे जीव थे जो इस जगह पर जीवित रह सकते थे जहां कानून गड़बड़ थे। मौत की लहरें क्यूई ने उसके चेहरे पर हमला किया। अंधेरे तत्व के कई शक्तिशाली जीव एक ही बार में उस पर टूट पड़े। नश्वर लोगों का एक युद्ध क्षेत्र एक भयानक दृश्य बना सकता है जो आकाश को मिटा देता है। इस युद्ध क्षेत्र का उल्लेख नहीं करना जहां शीर्ष विशेषज्ञ लड़े थे। पीछे छूटी ऊर्जा और नियम कई विचित्र और विकृत जीवों को जन्म देने के लिए पर्याप्त थे। प्रोफाउंड वर्ल्ड बैटलफील्ड में यह सबसे खतरनाक कारण भी था। आकाशीय क्षेत्र के एक विशेषज्ञ एक किंग ग्रेड विशेषज्ञ के लिए स्वयं की रक्षा करना आसान नहीं था। यदि वह सकुशल बच सकता तो यह अपने लिए एक नाम बनाने के लिए पर्याप्त था। फ्लैप फ्लैप फ्लैप, विशाल पंखों के फड़फड़ाने की आवाज सुनी जा सकती थी। आसमान में अनगिनत उड़न्तश्तरी दिखाई दी। करीब से देखने पर वे बछड़ों के आकार के बारे में बड़े रक्तलाल चमगादड़ थे। उनके भयंकर चेहरे और नुकीले दांत थे और एक जोड़ी विशाल नुकीले लोगों को पसीने से तरबतर कर सकते थे। वे बस अनंत थे। आकाश में एक असीम रक्तलाल बादल था। रक्तलाल बादल के सामने योद्धाओं का एक समूह था। वहां मनुष्य थे, अन्य जातियां थीं और विचित्र जीव थे। हालांकि इससे पहले कि वे दूर भाग पाते उन्हें रक्तलाल बादल ने घेर लिया। यह रक्तलाल बादल आकाशीय क्षेत्र के राक्षसों से बना था। खून से लाल रंग के इन चमगादड़ों को देखकर लोगों के सिर सुन्न हो गए। यह ऐसा था मानो वे इस रक्तलाल बादल से तुरंत पिघल गए हों। उन्हें बचाने का समय नहीं था। ये जिवेन की दृष्टि उत्कृष्ट थी और वह इन योद्धाओं को उनकी हड्डियों और मांस सहित पूरा निगलते हुए भी देख सकता था। यह दृश्य बेहद भयानक लग रहा था और यह रक्तलाल बादल अभी भी बहुत तेज गति से ये जिवेन की ओर भाग रहा था। भारी रक्तलाल चमगादड़ों का सामना करते हुए ये जिवेन के पास चकमा देने का समय भी नहीं था। या यूं कहें, वह यह भी नहीं जानता था कि कहां छिपना है, क्योंकि यह वास्तव में बहुत बड़ा था। दूर से देखने पर यह एक अंतहीन रक्तलाल बादल था। हालांकि ये जिवेन हैरान नहीं थी, इसके बजाय वह खुश था। मार डालो, ये जिवेन ने सीधे पतली हवा से एक लंबी तलवार पकड़ ली। वह भागा नहीं, इसके विपरीत उसने सीधे तौर पर तलवारबाजी की लंबी नदी की ब्रांडिंग की। शून्य में यह एक विशालकाय अजगर की तरह था जो अपने नुकीले दांतों को फैला रहा था और अपने पंजों को लहरा रहा था, लगातार लहरा रहा था। एक आकाश जाल बना रहा था जिसने उसे ढंक दिया था। उसे निशाना लगाने और स्लैश करने की भी जरूरत नहीं थी। जब तक वह लहराता रहा वह मौके पर खून से लाल चमगादड़ों को लगातार उड़ा सकता था। चांदी के प्रकाश से ढके सभी रक्तलाल चमगादड़ आसमान से गिरने वाले मांस और रक्त के द्रव्यमान में बदलने से पहले कई चीखें निकालते हैं। उनके शरीर में रक्त का सारा सार और मार्शल शक्ति सभी ये जिवेन की महान परिवर्तन तकनीक द्वारा अवशोषित कर ली गई थी। हालांकि वे केवल आकाशीय क्षेत्र में थे जो अभी भी उस विशाल मार्शल शक्ति से दूर था जिसकी अभी ये जिवेन को जरूरत थी। यह अंतहीन संख्या उनके बारे में सबसे अच्छी बात थी। उसकी तलवार के एक झटके से सैकड़ों रक्तलाल चमगादड़ों को तुरंत मिटा दिया गया जिससे एक जगह साफ हो गई। हालांकि विशाल रक्त लाल बादल की तुलना में यह छोटा सा नुकसान कुछ भी नहीं था। वह स्थान जो अभी अभी साफ किया गया था तेजी से अनगिनत रक्तलाल चमगादड़ों से भर गया था। ये शिवेन भी जल्दी में नहीं थी।
प्रारंभिक चरण के गहन मृत्यु क्षेत्र के शिखर तक पहुंचने के प्रयास में उन्हें अवशोषित करते हुए उन्होंने इन क्रूर रक्तलाल चमगादड़ों को लगातार मार डाला। यह ज्ञात होना चाहिए कि इस अवधि के दौरान उन्हें दिव्य संघ के विशेषज्ञों द्वारा लगातार पीछा किया गया था। उसके पास खेती करने का समय नहीं था, इसलिए उसकी खेती मुश्किल से अपने पिछले क्षेत्र में स्थिर हो पाई थी। इसीलिए वह इतना घबराया हुआ था। यदि वह बचने का कोई उपाय न सोचे तो परिणाम बड़ा सरल होगा। ईश्वरीय मिलन के बिना कुछ किए बिना वह अपंग हो जाएगा। अगर वह नामलेस डाउ कॉलेज में अलग दिखना चाहता है तो उसे और भी अधिक शक्तिशाली होना होगा। यदि मिस्टीरियस वर्ल्ड को विभिन्न महान दुनियाओं से राक्षसी प्रतिभाओं का जमावड़ा कहा जाता है तो नामलेस डाउ कॉलेज में सैकड़ों लोग राक्षसी प्रतिभाओं में राक्षसी प्रतिभाएं होंगे। बेनाम डाउ कॉलेज ने विशेष रूप से जो निमंत्रण भेजा था उसने भी उन पर बहुत दबाव डाला था। इस आमंत्रण के कारण वह उन राक्षसी प्रतिभाओं द्वारा व्यावहारिक रूप से अलग थलग कर दिया गया था। अभी उसे नहीं पता था कि कितने लोग उसके मुंह पर थप्पड़ मारने का इंतजार कर रहे थे। पर्याप्त ताकत के बिना वह यह भी नहीं जान पाएगा कि उसकी मृत्यु कैसे हुई। नामलेस डाउ कॉलेज में खुद को स्थापित करने की तो बात ही छोड़ दीजिए। उन्होंने दुनिया के नायकों को कभी कम नहीं आंका था और उन्हें यह भी नहीं पता था कि विभिन्न जातियों के कितने नायक मौजूद थे। हालांकि उन्हें इस बात का भी भरोसा था कि अगर कोई उनके चेहरे पर थप्पड़ मारना चाहता है तो उन्हें तब तक थप्पड़ मारने के लिए तैयार रहना होगा जब तक कि उनके चेहरे पर सूजन न आ जाए। यदि कोई उस पर चढ़कर उठना चाहता है तो उसे देखना होगा कि क्या उसमें ऐसा करने की क्षमता है। उसने इन लोगों पर जरा भी दया नहीं दिखाई जो उसके मुंह पर तमाचा मारना चाहते थे। हालांकि इन खून के रंग के चमगादड़ों की ताकत बहुत मजबूत नहीं थी, फिर भी ये काफी थे, इसलिए ये शिविन की ताकत खतरनाक दर से बढ़ रही थी। दूसरों के लिए इस तरह की अजीब शक्ति को जबरन पचाना केवल मौत को दावत देना होगा। हालांकि ये शिविन ने परवाह नहीं की। गिल्डे टायरन फॉर्म की शक्तिशाली पाचन क्षमता ने सुनिश्चित किया कि वह सीधे विस्फोट नहीं करेगा। वह जितना अधिक समय तक लड़े उनकी फीनिक्स रिजनरेशन तकनीक के फायदे उतने ही स्पष्ट हो गए। एक सामान्य व्यक्ति की ताकत उसके समान होने पर भी वे इस वातावरण में एक घंटा भी टिक नहीं पाएंगे जिसके लिए बहुत अधिक शक्ति की आवश्यकता होती है। हालांकि ये जमीन बिना पलक झपकाए इत्मीनान से कुछ घंटे या कुछ दिन और रात भी सह सकती थी। लड़ाई के इस स्तर की खपत उसकी फीनिक्स रिजनरेशन तकनीक की पुनर्प्राप्ति गति के साथ भी नहीं रख सकती थी, इसलिए उसने स्वाभाविक रूप से कोई दबाव महसूस नहीं किया। वह धीरे धीरे लहू के बादल की गहराई तक लड़ा। यह ऐसा था जैसे वह हिमरक्त रंजित चमगादड़ों का उपयोग अपनी तलवारबाजी के अभ्यास के लिए कर रहा हो। क्योंकि ये खून के रंग के चमगादड़ बहुत मजबूत नहीं थे लेकिन उनकी संख्या बहुत बड़ी थी, इसलिए वह धीरे धीरे सभी प्रकार की युद्ध कलाओं को समझ सकता था। केवल तलवारबाजी ही नहीं बल्कि सभी प्रकार की मार्शल आर्ट उसकी उंगलियों पर थी। वह अगले मार्शल आर्ट अवतार के संक्षेपण की तैयारी के लिए मार्शल आर्ट की अपनी समझ को गहरा करना चाहते थे। मार्शल आर्ट अवतार का संक्षेपण सरल लग रहा था लेकिन वास्तव में यह केवल तभी संघनित हो सकता था जब मार्शल आर्ट की समझ शिखर पर पहुंच गई थी। जून डिंटियन की तरह वह केवल 3000 तलवारबाजी का अभ्यास करने में कामयाब रहा। तलवारबाजी से अलग अलग छोटे रास्तों को अलग करके साथ ही अपने पिछले जीवन की स्मृति को भी, उनके लिए 3000 तलवारबाजी को सही मायने में समेटना असंभव था। केवल ये जिवेन ही थी जो अलग थी। उनका पहला अवतार फिस्ट अवतार था। हालांकि उनका दूसरा अवतार पहले अवतार से छोटे अवतारों में विभाजित होने का इरादा नहीं रखता था। इसके बजाय वह अन्य मार्शल आर्ट को सीधे तौर पर संक्षिप्त करने का इरादा रखता था। कोई भी कठिनाई की कल्पना कर सकता है, इसलिए वह अब तक सफल नहीं हुआ था। हालांकि एक बार जब वह सफल हो गया तो वह जून डिंटेन के तथाकथित 3000 तलवार सिद्धांतों से कई गुना अधिक शक्तिशाली हो जाएगा। यह सबसे कठिन रास्ता था। यदि दाव सत्यापन पहले से ही दुनिया में सबसे कठिन काम था तो यह मार्ग दाव सत्यापन की ओर जाने वाले सभी मार्गों में सबसे कठिन होगा। हालांकि जिस तरह एक इंद्रधनुष केवल तूफान के बाद ही देखा जा सकता है, उसी तरह सबसे कठिन रास्ता उच्चतम शिखर तक ले जाएगा। यही कारण था कि येमो ने उसकी पसंद के बारे में जानने के बावजूद उसे नहीं रोका। येमो के दिल में दाव वैलिडेशन मार्शल आर्ट की दुनिया में सिर्फ एक नोट था। जो लोग वास्तव में सम्राट सम्राट बनना चाहते थे और दुनिया पर शासन करना चाहते थे उन्हें सबसे कठिन रास्ते पर चलना होगा और उन दृश्यों को देखना होगा जो हम लोग नहीं देख सकते थे। ये क्षिवेन को नहीं पता था कि वह कितने समय से लड़ रहा था। 2 घंटे, घंटों तक, 1 दिन, 2 दिन, 10 दिनों तक वे निरंतर अपने तलवार तत्व में डूबे रहे। धीरे धीरे उन्होंने अन्य मार्शल आर्ट को छोड़ना शुरू कर दिया। उन्होंने अपने दूसरे मार्शल आर्ट अवतार के लिए एक तलवार सिद्धांत अवतार को संघनित करने का फैसला किया था, इसलिए उन्हें तलवार सिद्धांत पर ध्यान केंद्रित करना पड़ा। एक बार जब उन्होंने एक तलवार सिद्धांत अवतार को संघनित किया तो उनकी शक्ति में एक जबरदस्त परिवर्तन होगा। उस समय भले ही वह एक गहन मृत्यु क्षेत्र विशेषज्ञ के साथ लड़े, उसे विश्वास था कि वह सकुशल बच सकता है। यह एक मार्शल आर्ट अवतार की शक्ति थी।
ये ज़िवेन की पागलपन भरी हत्या ने खून से रंगे चमगादड़ों को भी रोक दिया था जो हर जगह उड़ रहे थे। खून के रंग के ये चमगादड़ उससे पूरी तरह से कुपित हो गए और फिर उन्माद में उस पर हमला करने लगे। इस समय शून्य में एक हिंसक उतार चढ़ाव था। दो आकृतियां अंतरिक्ष को अलग करती हैं और यहां दिखाई देती हैं। यह एक पुरुष और एक महिला थी। वह आदमी लगभग 30 वर्ष का था और असाधारण रूप से सुंदर था। हालांकि इस वक्त उनके कपड़े थोड़े फटे हुए थे और वो थोड़े शर्मिंदा नजर आ रहे थे। उसके बगल वाली महिला थोड़ी छोटी लग रही थी, लगभग 25 या 26 साल की। वह प्यारी लग रही थी लेकिन वह थोड़ी शर्मिंदा भी दिख रही थी। वरिष्ठ भाई तियान सोंग जी, मैंने तुमसे कहा था फुआन विश्वयुद्ध क्षेत्र में प्रवेश करना इतना खतरनाक है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई टेलीपोर्टेशन फॉर्मेशन खोलने की? हम अभी अभी अंतरिक्ष की शक्ति से लगभग फटे हुए थे। महिला ने मुंह फुलाया और अपने बगल में बड़े भाई को असंतोष से देखा। उसके हाथ की एक लहर के साथ सुनहरी रोशनी की एक चमक थी। वह पहले ही नए कपड़े पहन चुकी थी और उसका पूरा रूप संवार चुका था। एक लड़की के लिए भले ही वह पहले से ही एक शक्तिशाली मार्शल कलाकार बन गई हो, सुंदरता के लिए उसका स्वाभाविक प्रेम कभी नहीं रुका था। लेकिन जूनियर सिस्टर मोसू वन लावा अधिपति अभी बहुत शक्तिशाली था। हेवन, मैंने सीलबंद विश्वयुद्ध क्षेत्र में इतना शक्तिशाली राक्षस होने की उम्मीद नहीं की थी। हम पकड़े जाने के इतने करीब थे। उस स्थिति में अगर हमने टेलीपोर्ट आउट करने का विकल्प नहीं चुना होता तो मुझे डर है कि हम सब मर गए होते, तियान सोंग जी ने अजीब तरह से कहा। मल्लावा अधिपति के उल्लेख पर कांपने से खुद को रोक नहीं सका। इसमें कुछ भी अजीब नहीं है। सील्ड वर्ल्ड बैटलफील्ड सील्ड वर्ल्ड का सबसे केंद्रीय स्थान है। मास्टर ने एक बार कहा था कि सीलबंद विश्वयुद्ध क्षेत्र में लड़ने वाले अज्ञात विशेषज्ञ हुआ करते थे। बाद में अधिक विशेषज्ञ एक के बाद एक आए और तब तक लड़े जब तक कि आकाश ढह नहीं गया और पृथ्वी फट गई, जिसके परिणाम स्वरूप ऐसा वातावरण बना। इस लावा विमान के अलावा संभवतः और भी विमान हैं। ऐसा कहा जाता है कि वे सीलबंद दुनिया के टुकड़े हैं जो बिखर गए हैं और उन्हें बहाल नहीं किया जा सकता है, जिसके परिणाम स्वरूप इन उप विमानों का निर्माण हुआ है। मोज़्यू ने इसके बारे में सोचा और सहमत हो गए। अभी की स्थिति बहुत जरूरी थी। यदि उन्होंने टेलीपोर्ट आउट करने का विकल्प नहीं चुना होता तो वे केवल मृत्यु की प्रतीक्षा कर रहे होते। अगर वे दूसरी जगहों पर होते तो इतनी मुश्किल स्थिति में नहीं होते। हालांकि सील्ड वर्ल्ड बैटलफील्ड में अंतरिक्ष बेहद अस्थिर था। लापरवाही से टेलीपोर्टिंग करना मौत के समान था। अंतरिक्ष के भयानक फाड़ने का जिक्र नहीं है। अगर वे किसी अज्ञात स्थान पर यादृच्छिक रूप से टेलीपोर्ट करते हैं तो क्या वे एक पुराने राक्षस की मांग में घुसने पर समाप्त नहीं होंगे? क्रोधित बूढ़े राक्षस द्वारा उन्हें तुरंत टुकड़े टुकड़े कर दिया जाएगा। यह पहले से ही वरिष्ठ भाई तियान सोंगजी की संरचनाओं के दिए हुए अकल्पनीय प्रतिभा थी। अगर यह एक सामान्य व्यक्ति होता तो यह और भी बुरा होता। हमें क्या करना चाहिए? हम दूसरों से कैसे मिल सकते हैं? हम यह भी नहीं जानते कि वे अब कहाँ हैं, मोसू ने उत्सुकता से कहा। वे बेनाम दाव कॉलेज के प्रवेश टोकन की खोज के लिए एक साथ आए थे। हालांकि कई शीर्ष विशेषज्ञों और प्रतिभाओं ने इसमें भाग लिया था, लेकिन इसका मतलब यह नहीं था कि उनके पास मौका नहीं था। पिछले वर्षों में ऐसे भाग्यशाली लोगों की कमी नहीं थी जिन्होंने प्रवेश टोकन उठाया था और नामलेस दाव कॉलेज में प्रवेश किया था। बेनाम दाव कॉलेज के जानकारों के मुताबिक किस्मत भी किसी की ताकत का हिस्सा होती है। कभी कभी अच्छी किस्मत किसी की जान बचा सकती है, इसलिए बेनाम दाव कॉलेज ने ऐसे लोगों को प्रवेश करने से मना नहीं किया। या यूं कहें, उन्होंने इस बात की परवाह नहीं की कि उन्होंने टोकन कैसे प्राप्त किया। जब तक उन्होंने टोकन प्राप्त किया वे नामलेस दाव कॉलेज में प्रवेश कर सकते थे। एक बार जब किसी को नामलेस दाव अकादमी में भर्ती करा दिया जाता है तो उसकी ताकत में जबरदस्त परिवर्तन आ जाता है और वह जल्दी से रहस्यवादी दुनिया का एक स्तंभ बन जाता है। अतीत में ऐसी स्थितियां दुर्लभ नहीं थी और यहां तक कि इसे एक सामान्य घटना भी कहा जा सकता है। इसलिए हालांकि केवल 100 स्थान थे, सीलबंद विश्वयुद्ध क्षेत्र में इसे खोजने वाले लोगों की संख्या सैकड़ों, हजारों या यहां तक हजारों गुना अधिक थी। यहां तक कई संप्रदायों के पुराने राक्षस भी इसकी खोज कर रहे थे। इसे खोजने के बाद वे इसे अपने कनिष्ठों को सौंप देंगे। प्रभाव भी शक्ति का एक रूप था। बेनाम दाव कॉलेज ने ऐसी स्थिति की मनाही नहीं की थी। हालांकि वे यहां सिर्फ अपनी किस्मत आजमाने आए थे, फिर भी कुछ नहीं से तो अच्छा ही था। वह क्या है? अचानक तियान सोंग जी ने महसूस किया कि आकाश में खून के रंग के अंतहीन बादल उनकी ओर तेजी से बढ़ रहे थे। जल्द ही उन्होंने महसूस किया कि वे खून के रंग के बादल नहीं थे। वे स्पष्ट रूप से अंगिनत खून के रंग के चमगादड़ बछड़ों के आकार के थे जो उनकी ओर उड़ रहे थे। हे भगवान, यह स्वर्ग खाने वाला चमगादड़ है। यह वे कैसे हो सकते हैं? मोज़ू ने तुरंत इन क्रूर चमगादड़ों की प्रजातियों को भयंकर चेहरे और नुकीले लोगों के साथ पहचान लिया। प्रोफाउंड वर्ल्ड बैटलफील्ड में अंगिनत खतरे थे। हालांकि जो लोग वास्तव में लोगों के भावों को बदल सकते थे वे पुराने राक्षस थे जो गहराई में दुबके हुए थे, जैसे लावा अधिपति जैसे अस्तित्व। उनमें से एक हेवन डिवोइन बैट था।
ये क्रूर जीव व्यक्तिगत रूप से बहुत मजबूत नहीं थे, लेकिन उनकी संख्या अनंत थी। यह अज्ञात था अगर उनमें से लाखों या सैकड़ों लाखों थे। वे सब कुछ डुबाने के लिए काफी थे। वे टिड्डियों की तरह थे जो लगातार प्रोफाउंड वर्ल्ड बैटलफील्ड में गश्त करती थी। जो कुछ भी खाया जा सकता था वह उनके द्वारा खाया जाता था। वे जहां भी गुजरे कोई जीवन मौजूद नहीं होगा। प्रोफाउंड लाइफ रियलम विशेषज्ञों का उल्लेख नहीं करना चाहिए। यहां तक अगर वे सावधान नहीं थे और उनके द्वारा घिरे हुए थे तो प्रोफाउंड डेथ रियलम विशेषज्ञ भी मर जाएंगे। पीक प्रोफाउंड डेथ रियलम के विशेषज्ञ उन्हें देखते ही तुरंत मुड़ जाते और भाग जाते। ऐसा नहीं था कि वे उन्हें हरा नहीं सकते थे, लेकिन वे मौत से थक जाने से डरते थे। इसके अलावा ये जानवर बेहद तामसिक थे। एक बार उनमें से एक के मारे जाने के बाद उनका अंतहीन पीछा किया जाएगा, बचना नामुमकिन होगा। इसलिए उन्हें भड़काने का सबसे अच्छा तरीका नहीं था। सीलबंद विश्व युद्ध क्षेत्र में प्रवेश करने से पहले उनके आकाओं ने उन्हें बार बार चेतावनी दी थी। उन्हें प्राणियों को उत्तेजित नहीं करना चाहिए और स्वर्ग को नष्ट करने वाले चमगादड़ शीर्ष 10 में से थे। हालांकि ये स्वर्ग खाने वाले चमगादड़ भयानक थे, जब तक वे उन्हें पहले से खोज लेते वे उनसे बचने में सक्षम होते। एक बार जब वे चले गए तो वे आकाश को ढंक लेंगे और पृथ्वी को ढंक लेंगे। उन्हें पहचानना बहुत आसान था और पहले से खोजे नहीं जाने के बारे में चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं थी। इसलिए जब तक कि कोई बेहद बदकिस्मत न हो और उनमें से किसी एक से टकरा न जाए जो थोड़े तेज थे, वे आमतौर पर बच निकलने में सक्षम होंगे। दुर्भाग्य से उनके लिए वे बदकिस्मत थे और ऐसा हुआ कि उन्हें टेलीपोर्ट किया गया। इसके बाद वे उसी जगह फंस गए। यह एक ऐसी जाति थी जो लावा अधिपति से नीच नहीं थी। मोसू के लिए वे लावा अधिपति से भी अधिक भयानक थे। यदि वे लावा अधिपति के हाथों मारे गए तो वे अधिक से अधिक जलकर राख हो जाएंगे। हालांकि अगर वे इन स्वर्ग खाने वाले चमगादड़ों के हाथों मर गए तो बहुत संभावना है कि वे पूरी तरह से निगल जाएंगे और उनकी हड्डियों को कुचल दिया जाएगा। इन परिणामों के बारे में सोचते हुए वह कुछ नहीं कर सकती थी, लेकिन उसके पूरे शरीर पर रोंगटे खड़े हो गए थे। वह कांपने से खुद को रोक नहीं सकी और उसकी रीढ़ में एक ठंडक दौड़ गई। FCK, हमारी किस्मत वास्तव में भयानक है। पहले हम गलती से लावा अधिपति के घोंसले में घुस गए, फिर हमें टेलीपोर्ट करके स्वर्ग के भक्षण करने वाले चमगादड़ों में भेज दिया गया। तियान सोंगजी खुद को अंधा बनाकर रोने वाला था और उसका चेहरा विकृत हो गया था। वरिष्ठ भाई तियान सोंगजी, यह दूसरी बार है। मुझे बताओ, क्या मैं अभी भी विश्वास कर सकता हूँ कि आपके पास एक अजेय टेलीपोर्टेशन एरे है? पहली बार आपने लावा अधिपति के घोंसले को टेलीपोर्ट किया और दूसरी बार आपने स्वर्ग के भक्षण करने वाले चमगादड़ों के बीच में टेलीपोर्ट किया। मुझे बताओ, क्या हम अभी भी खेल सकते हैं? क्या हम अब भी साथी हो सकते हैं? मोसुई गुस्से से दहाड़ रही थी। उसके मालिक ने उन्हें समूहों में कैसे विभाजित किया? वह इस अविश्वसनीय वरिष्ठ भाई के समूह में कैसे आ गई? इससे भी महत्वपूर्ण बात, वह कैसे तियान सोंगजी की ताकत और कौशल पर आंख बंद करके विश्वास कर सकती थी? वह बिना वापसी के रास्ते पर कैसे कदम रख सकती थी? अगर उसे पता होता कि यह इस तरह से निकलेगा तो उसके लिए बेहतर होता कि वह बस उड़ जाती। सबसे पहले तियान सोंगजी ने गर्व से कहा था कि वह टेलीपोर्टेशन एरे का उपयोग उन दोनों को पहले से सीलबंद विश्व युद्ध क्षेत्र में टेलीपोर्ट करने के लिए कर सकता है। अब ऐसा लगता है कि नेतृत्व में होना एफ तारांकन कंग हेल था। यह प्रमुख था, लेकिन यह मृत्यु को प्रणाम करने जैसा ही था। छोटी बहन, वह बात नहीं है। तियान सोंगजी ने अजीबता को सहन किया और गंभीरता से कहा। अगर वह बात नहीं है तो क्या बात है? मोसुए ने धारणा जारी रखा। इस समय यह ऐसा था जैसे 100,000 घास मिट्टी के घोड़े उसके दिल से सरपट दौड़ रहे हों। बात यह है कि हम इन स्वर्ग खाने वाले चमगादड़ों से कैसे निपटेंगे। तियान सोंगजी के हाथ में एक चांदी की रोशनी चमकी और एक चांदी की लंबी तलवार दिखाई दी। उसने इसे ब्रांडेड किया और सभी स्वर्ग भस्म करने वाले चमगादड़ों को मार डाला, उन्हें एक स्वर्गीय जाल में उलझा दिया। सौभाग्य से इन स्वर्गीय भक्षक चमगादड़ों की व्यक्तिगत ताकत बहुत मजबूत नहीं थी, नहीं तो उन दोनों का बच पाना नामुमकिन था। कम से कम वे कुछ समय के लिए रुक सकते थे। मोसुए ने अपनी आंखें मूंद ली। यदि इस तथ्य के लिए नहीं कि वे एक महान शत्रु का सामना कर रहे थे तो उसे वास्तव में उसे काटने की इच्छा थी। यह कैसी लय थी! वह सचमुच बदनसीब थी। हालांकि वह शिकायत करती रही, लेकिन उसने रुकने की हिम्मत नहीं की। उसके हाथों में लोहे और चांदी के हुक की जोड़ी हवा में नाच रही थी, लगातार आकाश में मार्ग शब्द लिख रही थी। हर हत्या शब्द ने स्वर्ग खाने वाले चमगादड़ों के एक समूह को उड़ा दिया। हालांकि लावा भगवान द्वारा उनका हर जगह पीछा किया गया था और वे स्वर्ग के भक्षण करने वाले चमगादड़ों के बीच में फंस गए थे, इसका मतलब यह नहीं था कि वे कमजोर थे। वास्तव में वे कमजोर नहीं थे। लेट प्रोफाउंड लाइफ रियलम की ताकत को हुआन वर्ल्ड में भी कमजोर नहीं माना जा सकता था जो विशेषज्ञों से भरा था। यह सिर्फ इतना था कि ये दोनों अपने संप्रदाय में विषमताएं थी। तियान सोंगजी संरचनाओं के अध्ययन के प्रति जुनूनी था और इस क्षेत्र में बहुत शक्तिशाली होने का दावा करता था।
उनके गुरु के अनुसार यदि वे संरचनाओं के अध्ययन से विचलित नहीं होते तो शायद वे आगे बढ़ने में सक्षम होते। दूसरा कैलीग्राफी और पेंटिंग में डूबा हुआ था। यदि यह एक दुर्घटना के लिए नहीं था जिसने उन्हें एक प्राचीन सुलेख संत की विरासत प्राप्त करने की अनुमति दी तो उनकी खेती दयनीय स्थिति में होती। लेकिन फिर भी वे दोनों अभी भी गहन जीवन क्षेत्र के शिखर तक साधना करने में सफल रहे। कई प्रतिभाओं के बीच भी वे अभी भी कुछ हद तक प्रसिद्ध थे। बेशक वह जून डिंटिन, येजीवेन और अन्य लोगों के साथ नहीं चल सका, थोड़े ही समय में वे जुबान की दुनिया में अपना नाम बना सकते थे। हालांकि ऐसे लोग दुर्लभ थे। सामान्य लोग धीरे धीरे प्रसिद्धि अर्जित करेंगे और दुनिया को एक शानदार करतब से विस्मित कर देंगे। उनके लिए यह सिर्फ इच्छाधारी सोच थी। तियान सोन जी ने एक के बाद एक तलवारें लहराई और बहमोसू की तरफ पीछे हट गया। हालांकि मुकाबला उनकी ताकत नहीं थी, लेकिन प्रोफाउंड लाइफ स्टेज के अंतिम चरण में उनकी ताकत के साथ हेवन टियर में इनहेवन डेवोरिंग बैट्स के लिए उन्हें धमकी देना बेहद मुश्किल होगा। यहां तक अगर स्वर्ग खाने वाले चमगादड़ों के बीच गहरा जीवन क्षेत्र मौजूद होता तो भी वे थोड़े समय में उन्हें धमकी नहीं दे सकते थे। हालांकि स्वर्ग खाने वाले चमगादड़ों के बारे में सबसे भयानक बात उनकी अंतहीन संख्या और उनकी अविश्वसनीय प्रकृति थी। यह कहा जा सकता है कि जब तक वे किसी को निशाना बनाते थे लगभग कोई भी बच नहीं सकता था। या तो वे बहुत मजबूत थे या वे उन्हें पहले ही खोज सकते थे और उनसे बच सकते थे। दुर्भाग्य से उनमें से कोई भी इस श्रेणी का नहीं था। जूनियर सिस्टर मोसू, तुम उन्हें थोड़ी देर के लिए रोक लो। मैं उन्हें रोकने के लिए एक गठन करूंगा। हम केवल कुछ समय के लिए रुक सकते हैं, फिर मैं एक संकट संकेत जारी करूंगा। मुझे उम्मीद है कि जब वे आएंगे तो हम हड्डियों का ढेर नहीं बन चुके होंगे, तियान सोंग जी ने अजीब तरह से कहा। दो टेलीपोर्टेशन गलत हो गए थे। यहाँ तक उनके जैसा मोटा मोटा व्यक्ति भी इस बात की शेखी बघारने की हिम्मत नहीं करता था कि वह संरचनाओं के क्षेत्र में कितना मजबूत है। हालांकि वह भी दुखी महसूस कर रहा था। यह उस पर दोष नहीं लगाया जा सकता था। कौन जान सकता था कि उसे लावा अधिपति और स्वर्ग भक्षण करने वाले चमगादड़ों के केंद्र में टेलीपोर्ट किया जाएगा। ये सभी अत्यंत दुर्लभ घटनाएं थी। यह भी कहा जा सकता है कि लाख घटनाओं में एक भी न हो फिर भी उसने दोनों का सामना किया था। इस समय दोबारा टेलीपोर्ट करना असंभव था। स्पेस फाड़ने का आधार यह था कि प्रतिद्वंद्वी ने स्पेस को सील नहीं किया था। कौन सा योद्धा जिसने इस स्तर तक साधना की थी उसे अंतरिक्ष की कोई समझ नहीं थी। सीलिंग स्पेस लगभग एक वृत्ति थी। लावा अधिपति के रूप में इसने उनकी बिल्कुल भी परवाह नहीं की और अंतरिक्ष को सील नहीं किया जिससे वे बच निकले। अन्यथा युद्ध के बीच में उनका बचना असंभव होगा। जहां तक स्वर्ग खाने वाले चमगादड़ों की बात है तो उन्होंने पहले ही अपने चारों ओर की जगह को घेर लिया था। उनके लिए उस जगह को तोड़कर भाग निकलना असंभव था। इसलिए वे केवल तब तक दृढ़ रह सकते थे जब तक कि उनके संप्रदाय के लोगों को खबर नहीं मिली और वे उन्हें बचाने आए। यही एक रास्ता था। अगर हम असफल हो गए तो हम अब हड्डियों के ढेर नहीं रहेंगे। हमारे पास हड्डियां भी नहीं बचेंगी। मोजू ने तियान सोंगजी की ओर रुखाई से नजर डाली और कहा। उसका लहजा हत्या के इरादे से भरा हुआ था जिससे तियान सोंगजी का शरीर तनावग्रस्त हो गया था। उसने लगभग एक गलती की और स्वर्ग को खाने वाले चमगादड़ों को प्रवेश करने दिया। हालांकि मोसू ने यह कहा लेकिन वो हिचकी नहीं। उसने एक कदम आगे बढ़ाया और उसके हाथ में सुनहरी कलम ने लगातार पात्रों को लिखा। स्वर्ग के भक्षण करने वाले चमगादड़ों पर बमबारी की, उन्हें पास नहीं आने दिया। वह यह भी जानती थी कि वह इस समय क्षुद्र नहीं हो सकती, अन्यथा न केवल वरिष्ठ भाई तियान सोंगजी की मृत्यु होगी बल्कि वह भी कोई अपवाद नहीं होगी। उसने नहीं सोचा था कि ये स्वर्ग खाने वाले चमगादड़ जो जानवरों से अलग नहीं थे उसे सिर्फ इसलिए जाने देंगे क्योंकि वह सुंदर थी। स्वर्ग निष्पक्ष था। ये स्वर्ग खाने वाले चमगादड़ अंतहीन थे लेकिन उनकी बुद्धि उच्च नहीं थी। कुछ म्यूटेंट को छोड़कर उनमें से अधिकांश के पास कोई बुद्धि नहीं थी और वे नहीं जानते थे कि खेती कैसे की जाती है। वे अपनी प्रवृत्ति के आधार पर लड़े। पैदा होने के बाद वे शीघ्रता से स्वर्ग लोक में पहुंच जाएंगे। हालांकि उनके लिए गहन जीवन क्षेत्र में प्रवेश करना कठिन था, अन्यथा पूरे प्रोफाउंड वर्ल्ड बैटलफील्ड पर उनका शासन होगा। उनकी संख्या अनंत थी, उनके पास बुद्धि थी और वे खेती कर सकते थे। वे बस अजेय थे। वरिष्ठ भाई तियान सोंग जी, मेरी बात ध्यान से सुनो। यह युवती एक फूल की तरह सुंदर और चंद्रमा की तरह सुंदर है। मैं यहाँ मरना नहीं चाहती। अगर संरचना वास्तव में टूट गई है तो इनकी कोई आवश्यकता नहीं है। स्वर्ग भक्षण चमगादड़ हमला करने के लिए मैं तुम्हें पहले मारूंगा। अगर तुम मरना भी चाहती हो तो तुम्हें मुझसे पहले मरना होगा, मोसू ने अपने दांतों को भींचते हुए कहा। हाँ, तियान सोंगजी बार बार माफी मांगे बिना नहीं रह सका। उसने महसूस किया कि उसकी रीढ़ में ठंडक दौड़ रही है। मोसू ने जो कहा वह निश्चित रूप से करेगी। यह कुछ ऐसा था जिस पर उन्हें पूरा विश्वास था। हालांकि मोसू को यह कहने की जरूरत नहीं थी। वह यह भी नहीं चाहता था कि स्वर्ग खाने वाले चमगादड़ गठन को तोड़ दें।
इतना कहने के बाद उन्हें जरा भी हिचकिचाहट नहीं हुई और वे फॉर्मेशन की व्यवस्था करने में लग गए। उसके लिए कौन जानता था कि वह कितने वर्षों से संरचनाओं में डूबा हुआ था। यह कहा जा सकता है कि वह इससे बहुत परिचित था। बहुत जल्द एक पूर्ण गठन की व्यवस्था की गई। पूरे गठन को अभी व्यवस्थित किया गया था और काम करना शुरू कर दिया था। तुरंत नियमों की शक्ति का गठन किया गया और उन्हें अंदर की रक्षा करते हुए एक प्रकाश स्क्रीन में संघनित किया गया। ये स्वर्ग खाने वाले चमगादड़ ऊपर पहुंचे और सीधे प्रकाश स्क्रीन में दुर्घटनाग्रस्त हो गए। एक ही पल में वे चीख पड़े और बिखर गए। इस समय मोजू ने अनिच्छा से राहत की सांस ली। उसकी नाक का सिरा पहले से ही पसीने से लथपथ था। कुछ ही समय में उसने अपनी ताकत का एक छोटा सा हिस्सा पहले ही खा लिया था। हालांकि ये स्वर्ग खाने वाले चमगादड़ मजबूत नहीं थे, लेकिन उनकी संख्या बहुत अधिक थी। आकाश में और जमीन पर वे घने और हर जगह भरे हुए थे। तियान सोंग जेड के लिए पर्याप्त समय लेने के लिए उसके पास प्रभाव के एक बड़े क्षेत्र के साथ लगातार हमला करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। तभी वह बड़ी मुश्किल से हेवन डिवाइन बैट्स को दबाने में कामयाब हो पाई जो अंदर भाग रहे थे। इसलिए उसे अपनी ताकत का एक छोटा सा हिस्सा खाने में देर नहीं लगी। यदि यह जारी रहा तो उसकी ताकत समाप्त होने में देर नहीं लगेगी। अंत में वह इन स्वर्ग खाने वाले चमगादड़ों द्वारा तब तक खाई जाएगी जब तक कि उसकी हड्डियां भी नहीं बची थी। ये स्वर्ग खाने वाले चमगादड़ आकाश में एक छेद काटने में सक्षम होने के लिए जाने जाते थे अकेले एक इंसान को। जब तियान सोंग जी ने गठन की व्यवस्था पूरी कर ली तो उन दोनों ने अनिच्छा से राहत की सांस ली। उन दोनों ने जल्दी से इस समय का उपयोग अपनी ताकत वापस पाने के लिए किया। हालांकि जब तक उन्होंने अपनी ताकत वापस पा ली, हालांकि अंतराल बहुत कम था, गठन की हल्की स्क्रीन पहले ही टूट चुकी थी। हालांकि ये हेवन डिवोरिंग बैट्स अंदर नहीं आए, उन्होंने हमला करना जारी रखा और पूरा फॉर्मेशन रहने के कगार पर था। ऐसा लग रहा था कि यह कभी भी टूट सकता है। तियान सोंग जी ने जल्दी से फॉर्मेशन को बनाए रखना और मजबूत करना जारी रखा। उन्होंने स्पिरिट क्रिस्टल को लगातार कुचला और स्पिरिट क्यूई की एक बड़ी मात्रा को सीधे फॉर्मेशन में भर दिया गया, जिससे फॉर्मेशन टूटने से बच गया। उन दोनों को अच्छा नहीं लग रहा था। वे कैसे नहीं जान सकते थे कि जो स्पिरिट स्टोन और स्पिरिट क्रिस्टल वे अपने साथ लाए थे, वे सब समाप्त हो चुके थे। परिणाम अकल्पनीय था। अभी कुछ ही समय हुआ था कि गठन टूट गया। इसलिए इस समय वे केवल प्रार्थना कर सकते थे कि उनके संप्रदाय के लोग उससे पहले पहुंचे और उन्हें बचाएं। हालांकि स्वर्ग खाने वाले चमगादड़ों के खिलाफ लड़ना असंभव था, फिर भी उन्हें बचाना बहुत संभव था। टकराना। इन स्वर्ग भस्म करने वाले चमगादड़ों की हल्की स्क्रीन से टकराने की तेज आवाज उनके कानों में बजती रही। हर चोट उन दोनों के दिलों पर पड़ने वाले भारी झटके की तरह थी। उनकी कल्पना करने की हिम्मत नहीं हुई। हर बार जब उन्होंने हमला किया तो उनके चेहरे पीले पड़ गए। कोई मरना नहीं चाहेगा, चाहे उन्होंने पहले कितना ही कहा हो कि वे मृत्यु से नहीं डरते। वे डरे बिना नहीं रह सकते थे जब वे वास्तव में मृत्यु का सामना कर रहे थे। यह मानव स्वभाव था। ये योद्धा कोई अपवाद नहीं थे। इन दोनों का उल्लेख नहीं करना चाहिए जो मार्शल आर्ट का अभ्यास शुरू करने के बाद से अजीबोगरीब के रूप में जाने जाते थे। वे दोनों काफी हद तक एक साथ आ सकते थे क्योंकि संप्रदाय में बहुत से लोग नहीं थे जो उनके साथ मिलकर काम करने को तैयार थे। अंत में वे केवल अपने दम पर टीम बना सकते थे। कुछ गड़बड़ है छोटी बहन, देखो ये स्वर्ग खाने वाले चमगादड़ लगातार कम हो रहे हैं या बढ़ता नहीं दिख रहा है। जल्द ही तियान सोंग जी को कुछ अजीब लगा। पहले तो मोसू ने सोचा कि तियान सोंग जी उसे दिलासा दे रहा है, लेकिन उसे जिद करते देख उसने भी ध्यान से देखा। निश्चित रूप से पर्याप्त। हालांकि ये स्वर्ग खाने वाले चमगादड़ अंतहीन लग रहे थे, कम से कम वे बढ़ते नहीं गए। दूसरे शब्दों में उनके आसपास केवल कुछ स्वर्ग खाने वाले चमगादड़ थे और कोई और स्वर्ग खाने वाले चमगादड़ शामिल नहीं हो रहे थे। अचानक उसे अजीब लगा। हालांकि उन्होंने कई हेवन डिवोरिंग बैट्स को मार डाला था, यह हेवन डिवोरिंग बैट समूह बहुत बड़ा था। उन्होंने सैकड़ों स्वर्ग खाने वाले चमगादड़ों को मार डाला था, लेकिन यह समुद्र में सिर्फ एक बूंद थी। हेवन डिवोरिंग बैट्स के चरित्र के साथ वे उनसे निपटने के लिए कैसे छोड़ सकते हैं? जहां तक भोजन की तलाश में छोड़ने की बात है तो यह बिल्कुल असंभव था। क्या उनसे बेहतर कोई खाना था? क्या चल रहा है? मोशुए ने अजीब लहजे में पूछा। इस समय तियान सोंग जी ने अपनी दिव्य भावना का प्रसार किया। क्योंकि दिव्य भावना इन स्वर्ग भक्षी चमगादड़ों द्वारा निगल ली जाएगी, उनकी दिव्य भावना को फैलाना बहुत मुश्किल था, लेकिन उन्होंने फिर भी इसे फैलाया। 100 मीटर, 1000 मीटर, 10000 मीटर, 100000 मीटर, एकाएक उसकी चीख निकल गई। असंभव, यह कैसे संभव है? उसकी आंखें अविश्वास से भर गईं, जैसे उसने एक अविश्वसनीय राक्षस को देखा हो। वरिष्ठ भाई, क्या बात है? मोसू ने पूछा। मैं इसे आपके देखने के लिए जारी करूंगा। तियान सोंग जी ने पकड़ लिया और लापरवाही से एक फॉर्मेशन खींच लिया। गठन पर एक आभासी प्रक्षेपण था जो एक जगह का दृश्य दिखा रहा था।
यह स्थान भी अंतहीन स्वर्ग भक्षण करने वाले चमगादड़ों से भरा हुआ था और वे एक हरे पहने आदमी को घेर रहे थे। यह हरे वस्त्र वाला आदमी लगभग 25 या 26 साल का लग रहा था, लेकिन इस समय यह युवक शून्य में पालथी मारकर बैठा हुआ था। आंखें बंद थी और अनगिनत स्वर्ग खाने वाले चमगादड़ उसकी तरफ भागने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन यह बेकार था। उसका पूरा शरीर तलवार क्यूई थूक रहा था। तलवार क्यूई का एक स्वर्गीय जाल बना रहा था। अनगिनत स्वर्ग खाने वाले चमगादड़ इससे पहले कि वे उसके करीब पहुंच पाते मारे गए और फिर उनका खून उसके द्वारा अवशोषित कर लिया गया। यह चक्र अंतहीन रूप से दोहराता रहा और अप्रत्याशित रूप से वह अपने आप से क्षेत्र की रक्षा कर रहा था। धिक्कार है, यह नहीं हो सकता, उसने यह कैसे किया। मोसू की खूबसूरत आंखें चौड़ी हो गईं, जैसे उसने कोई भूत देखा हो। अभी अभी उसने भी एक खूनी लड़ाई का अनुभव किया था। बेशक वह जानती थी कि ऐसी स्थिति में कैसे लड़ना है जहां अंतहीन दुश्मन हो। यदि यह उसकी होती तो वह सभी स्वर्ग को खाने वाले चमगादड़ों को अलग करने में भी सक्षम होती। हालांकि यह केवल थोड़े समय के लिए था। लंबे समय के बाद बिजली की खपत पुनः पूर्ति के साथ नहीं रह पाएगी। यदि अमृत होते भी तो एक दिन ऐसा होता जब अमृत समाप्त हो जाता, उस समय मृत्यु का समय होगा। हालांकि उसके सामने का आदमी एक सतत गति मशीन की तरह था जो फिर से भरना बंद नहीं करेगा। उसने लगातार वील युआन की एक बड़ी राशि उबल दी जो स्वॉर्ड क्यूई में बदल गई और उड़ गई। यह बस अंतहीन था। यह ऐसा था जैसे वह यह देखने के लिए होड़ कर रहा हो कि किसके पास अधिक स्वर्ग खाने वाले चमगादड़ हैं। यह अविश्वसनीय था। अगर उसने इसे अपनी आंखों से नहीं देखा होता तो उसे विश्वास नहीं होता। वह अभी प्रवेश नहीं कर सकता था। ठीक है, अगर वह इसी तरह खुद को थकाता रहा तो मुझे डर है कि वह ज्यादा देर तक टिक नहीं पाएगा। यहाँ तक एक गहन मृत्यु अवस्था विशेषज्ञ भी इस तरह की थकावट का सामना नहीं कर पाएगा। मोजू ने अपना मुंह खोला और कहा। उसे अभी भी एक कारण मिला जो दूसरों के लिए अधिक स्वीकार्य था। टियान सोंगजी केवल कड़वाहट से मुस्कुराया और कुछ नहीं कहा। शुरू से अब तक हरे पहने वाले आदमी ने कमजोर होने का कोई संकेत नहीं दिखाया। ऐसा लग रहा था कि उनका रियल युआन इस तीव्रता को बहुत लंबे समय तक बनाए रख सकता है। समय बीतता गया। टियान सोंगजी और मोजू के लिए ये दिन सहन करना बहुत कठिन था। ऐसा लग रहा था जैसे एक दिन एक साल की तरह बीत रहा हो। यह कहा जाना चाहिए कि हर सेकंड एक वर्ष की तरह था। हर मिनट और हर सेकंड यातना थी। वे व्यवहारिक रूप से सेकंड गिन रहे थे। हालांकि उनके सामने वाला आदमी अब भी वैसा ही था। यह ऐसा था जैसे वह प्राचीन काल से अस्तित्व में था। वह बिल्कुल नहीं हिला। हालांकि उसके शरीर की सतह से लगातार उगलने वाली तलवार क्यूई ने कमजोर होने के कोई संकेत नहीं दिखाए। उल्टे इसमें लगातार इजाफा हो रहा था। धिक्कार है, वह वास्तव में खेती कर रहा है। टियान सोंगजी ने अचानक अपना मुंह खोला और कहा। यह नहीं हो सकता, यह कैसे संभव है, मोशुए ने अविश्वास में कहा। वे भी स्वर्ग खाने वाले चमगादड़ों के हमलों को सहन कर रहे थे। इसके अलावा स्वर्ग खाने वाले चमगादड़ों के हमलों की तीव्रता हरे पहने वाले आदमी की तरफ से बहुत दूर थी। वे पहले से ही महसूस कर रहे थे कि हरे वस्त्र वाले आदमी की तो बात ही छोड़िए, बर्दाश्त करना कितना मुश्किल है। सच कहा जाए तो वह भी उस नीले वस्त्र वाले व्यक्ति की ताकत को महसूस नहीं कर पाए। हालांकि नीले भूरे रंग के आदमी की तलवार क्यूई ने आकाश को भर दिया था, लेकिन उसका नियंत्रण एकदम सही था। बर्बादी बिल्कुल नहीं हुई। हर बार जब उसने स्वर्ग को नष्ट करने वाले चमगादड़ को मारा तो थोड़ी सी भी शक्ति बाहर नहीं निकली। उसने पहले ही अपनी शक्ति को एक उत्कृष्ट सीमा तक नियंत्रित कर लिया था। यह कुछ ऐसा था जो वह बिल्कुल नहीं कर सकती थी। यदि यह आमने सामने की लड़ाई होती तो भी वह इसे कर सकती थी, लेकिन जब दुश्मन हर जगह थे तो वह इसे नियंत्रित नहीं कर सकती थी। यह भी मुख्य कारण था कि उसकी शक्ति इतनी जल्दी समाप्त हो रही थी। यह व्यक्ति एक संकी था, एक पूर्ण संकी। रोबोट की तरह यह कोई गलती नहीं करेगा। कारा 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 स्पिरिट अरे के लाइट स्क्रीन पर दरारें पहले ही दिखाई देने लगी थी। इसके अलावा दरारें धीरे धीरे बढ़ रही थी। टियान सोंगजी चिंतित होने लगा था। आत्मा के क्रिस्टल जो उस पर थे वे आत्मा सरणी को फिर से भरने के लिए पर्याप्त नहीं थे। हेवन ड्यूरिंग बैच के पागल हमलों के तहत स्पिरिट अरे का उपभोग आश्चर्यजनक था। वह बहुत अमीर व्यक्ति नहीं था, इसलिए वह इसे हमेशा के लिए नहीं रख सका। इसके अलावा संप्रदाय से शुद्धिकरण अभी भी दूर थे। यदि यह जारी रहा तो देर सवेर आत्मा का क्रम टूट जाएगा और वे दुखद रूप से मर जाएंगे। कैसे इस बारे में मैं देख रहा हूँ कि वह व्यक्ति भी एक इंसान की तरह दिखता है और हम भी मानव जाति से हैं। अगर हम उसके पक्ष में जाते हैं तो हमारे बचने की संभावना हो सकती है, नहीं तो हम आज निश्चित रूप से मर जाएंगे, मोसू ने अपने दांत पीसते हुए कहा। कैसे इस बारे में, अगर वह भी हमें दुश्मन मानता है और हम पर एक साथ हमला करता है तो हम निश्चित रूप से मर जाएंगे, टियान सोंगजी ने कुछ हिचकिचाहट के साथ कहा। नहीं तो हम भी यही मरेंगे, लड़ना बेहतर है। अगर हौसला टूट गया है तो मुझे डर है कि हमारे पास पार जाने की ताकत भी नहीं होगी, मोसुए ने अपने दांत पीस कर कहा।
इस समय उसके पास अपने साथी मानव पर विश्वास करने के अलावा और कोई चारा नहीं था। मानव जाति के वर्चस्व वाली अन्य दुनिया में यह भावना बहुत मजबूत नहीं हो सकती है। हालांकि जुबान वर्ल्ड में, जो हजारों नस्लों का एक हौज-पौज था, एक मानव जाति, विशेष रूप से एक विशेषज्ञ से मिलने की भावना एक विदेशी भूमि में एक साथी ग्रामीण से मिलने से अलग नहीं थी। उनके शरीर में बहने वाले वही रक्त ने उन्हें एक दूसरे के पास जाने के लिए बुलाया। ठीक है, चलो लड़ते हैं, तियान सोंगजी ने भी दांत पीस कर कहा। इस समय संप्रदाय से सुदृढ़ीकरण अभी भी दूर थे, उनके पास और कोई चारा भी नहीं था। चूंकि वे पहले ही तय कर चुके थे, इसलिए उन्होंने अब और संकोच नहीं किया। उन्होंने आत्मा को वश में कर लिया और हरे वस्त्र धारण करने वाले व्यक्ति की दिशा में आ गए। हालांकि उन्हें जल्द ही प्रतिरोध का सामना करना पड़ा, क्योंकि उन्होंने पाया कि स्वर्ग खाने वाले चमगादड़ों की संख्या येजीवेन के जितना करीब आ रही थी, उतनी ही सघन और सघन होती जा रही थी। इसके अलावा स्वर्ग खाने वाले चमगादड़ों की गुणवत्ता भी उच्च और उच्च होती जा रही थी। गहन जीवन क्षेत्र के स्वर्ग भक्षण करने वाले चमगादड़ लगातार दिखाई देने लगे, जिससे उन दोनों के लिए उनसे निपटना मुश्किल हो गया। इस समय वे अंत में समझ गए कि उन्हें घेरने वाले स्वर्ग खाने वाले चमगादड़ों की संख्या में वृद्धि क्यों नहीं हुई। यह पता चला कि आधे से अधिक स्वर्ग खाने वाले चमगादड़ हरे लगाए आदमी को घेर रहे थे। हरे लबादे वाले आदमी के हमलों की तुलना में उनके हमले नगण्य थे। यदि यह कहा जाता था कि स्पिरिट अरे में दरारें दिखाई देने लगी थी, तो जैसे जैसे वे हरे रोने वाले आदमी के करीब आते गए, अधिक से अधिक शक्तिशाली स्वर्ग भक्षण करने वाले चमगादड़ों ने उन पर हमला किया। सभी प्रकार की जादुई शक्तियों ने सीधे उन पर बमबारी की, जिससे उनके स्पिरिट एरे पर दरारें तेजी से फैल गईं, ठीक टेम्पर्ड ग्लास के टूटने की तरह। इससे वे बेचैन हो उठे। अगर ऐसा ही चलता रहा तो वे कुछ समय तक टिके रह सकते थे, लेकिन अब वे थोड़ी देर के लिए भी टिक नहीं पाए। इसके अलावा वे एक इंच भी आगे नहीं बढ़ सके। उनके सामने बहुत सारे स्वर्ग खाने वाले चमगादड़ थे। स्वर्ग भस्म करने वाले चमगादड़ बछड़ों के आकार ने आकाश को मिटा दिया और पृथ्वी को ढक लिया। तियान सोंगजेड के चेहरे पर तनाव आ गया। उसने एक कदम आगे बढ़ाया, अपने हाथों को थपथपाया और कहा, सीनियर ह्यूमन रेस, मैं तियान सोंगजी हूँ। यह मेरी छोटी बहन मोसू है। हम दोनों ने गलती से स्वर्ग खाने वाले चमगादड़ों के इस झुंड में घुसपैठ कर ली है। मुझे आशा है कि वरिष्ठ हमारे साथी मानव जाति की खातिर हमें बचा सकता है। वरिष्ठ, कृपया हमें बचाओ, मोसू ने भी आगे बढ़कर कहा। वह यह भी समझ गई थी कि हरा पहना आदमी ही उनके बचने की एकमात्र उम्मीद था। वह उसकी उम्र नहीं जानती थी, लेकिन सीनियर टीचर थी। उनकी खेती उनकी तुलना में अधिक थी, इसलिए उन्हें वरिष्ठ के रूप में संबोधित करना कोई बड़ी बात नहीं थी। टकराना, जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, संपूर्ण आत्मा एरे का बचाव तुरंत बिखर गया। अंगिनत स्वर्ग भक्षण करने वाले चमगादड़ भेड़ियों के झुंड की तरह लहूलुहान हो गए थे। इस महत्वपूर्ण क्षण में एक विशाल उंगली आकाश से नीचे दब गई, सीधे शून्य में फट गई। अंगिनत स्वर्ग खाने वाले चमगादड़ मौके पर ही राख में बदल गए। खूनी धुंध में विस्फोट होने से पहले उनके पास चीखने का समय भी नहीं था। फिर उन्हें एक विशाल हाथ से पकड़ लिया गया। देखते ही देखते एक दर्जन मील के दायरे का इलाका पूरी तरह से खाली हो गया। वे दोनों थोड़े स्तब्ध थे। अत्याचारी क्या था? यह अत्याचारी था। एक दर्जन मील के दायरे में स्वर्ग खाने वाले सभी चमगादड़ नष्ट हो गए। यह एक चमत्कार जैसा था। पहले वे केवल महसूस करते थे कि वह बहुत मजबूत है, हालांकि वे नहीं जानते थे कि वह कितना मजबूत था। अब वे पूरी तरह से समझ गए थे कि यह आदमी बहुत बलवान है। इसके अलावा वह हास्यास्पद रूप से मजबूत था। वह गहन मृत्यु अवस्था में नहीं हो सकता है ना? तियान सोंगजी को लगा कि वह हकला भी रहा है। उसने कभी नहीं सोचा था कि उसका सामना एक गहन मृत्यु अवस्था विशेषज्ञ से होगा। एक सामान्य दिन में ऐसा वजूद देखना आसान नहीं था। हालांकि वे दोनों गहन मृत्यु अवस्था में थे, यदि गहन जीवन अवस्था को जुबान विश्व में एक विशेषज्ञ माना जाता था, तो गहन मृत्यु अवस्था को एक सुपर विशेषज्ञ माना जाता था। गहन मृत्यु अवस्था विशेषज्ञों की संख्या गहन जीवन अवस्था विशेषज्ञों की संख्या का दसवां हिस्सा भी नहीं हो सकती है। सामान्य लोगों का तो कहना ही क्या, उनके जैसे गहन जीवन स्तर के विशेषज्ञों को भी ऐसे विशेषज्ञों से मिलना मुश्किल लगता था जो उनके अपने संप्रदाय या ताकतों से नहीं थे। हालांकि उन्होंने तुरंत प्रतिक्रिया दी। वे कैसे नहीं जान सकते थे कि यह हरा भरा आदमी था जिसने उन्हें बचाया था। हमें बचाने के लिए धन्यवाद सीनियर, हमें बचाने के लिए धन्यवाद। इस समय उन दोनों ने तुरंत अपना आभार व्यक्त किया और येक्षिवेन के करीब जाने लगे। मूल रूप से वह इसे दूर से स्पष्ट रूप से नहीं देख सकता था, लेकिन अब वह हरे लबादे वाले आदमी के शरीर पर उभरे हुए चूयुआन को स्पष्ट रूप से देख सकता था। यह अंतहीन रूप से बाहर बढ़ रहा था, स्वॉर्ड क्यूई में बदल रहा था और बाहर उड़ रहा था। यह बस अविश्वसनीय था। इसे संभव बनाने के लिए यह चूयुआन कितना मोटा और जोरदार होना चाहिए। उन दोनों ने अपनी तुलना की। यह चूयुआन उनसे कम 10 गुना ज्यादा मजबूत होना चाहिए।
नहीं, यह 100 गुना ज्यादा मजबूत होना चाहिए। हालांकि, क्या वास्तव में इस दुनिया में कोई ऐसा था जो उनसे 100 गुना अधिक शक्तिशाली था? क्या गहन मृत्यु अवस्था के विशेषज्ञ वास्तव में इतने शक्तिशाली थे? समय समय पर वे फीनिक्स की कर्कश चीख भी सुन सकते थे। उसके बाद अगर वे ध्यान दें तो उन्हें यह भी लग सकता था कि इस वरिष्ठ की खेती लगातार बढ़ रही है। इसके अलावा यह धीरे धीरे मजबूत हो रहा था। इस समय उन दोनों को आखिरकार समझ में आ गया कि यह हरा पहना आदमी क्यों नहीं गया, भले ही ऐसा लग रहा था कि वह किसी भी समय जा सकता है। वह वास्तव में खेती करने के लिए इन स्वर्ग खाने वाले चमगादड़ों का उपयोग कर रहा था। जब उन्होंने इस विचार के बारे में सोचा तो उन्हें लगा कि वे जरूर पागल हैं। बस इस विचार के बारे में सोचना बेहद पागलपन भरा था। इसके अलावा इस पागल विचार को व्यवहार में लाना असंभव था। वे दीवाने न थे तो सामने हरा लबादा वाला दीवाना था। हालांकि वे बहुत स्पष्टवादी थे। इसके अलावा हरे लबादे वाला यह आदमी पागल नहीं लग रहा था। उसके पास किसी प्रकार का समर्थन होना चाहिए। हालांकि वे इस समर्थन से पूरी तरह अनजान थे। गर्जन, अचानक एक अतुलनीय तेज गर्जना गूंज उठी। शून्य में एक अतुलनीय रूप से विशाल काली छाया नीचे गिर गई। इस समय हेवन ड्यूअरिंग बैट किंग, जो हेवन डिवोरिंग बैट्स के बीच छिपा हुआ था, अंत में येजेवेन को इतनी आसानी से अपने ही लोगों का वध करते हुए बर्दाश्त नहीं कर सका। कार्रवाई करना चाहता था। यह मानव बहुत अहंकारी था। बूम, इसने अपना विशाल मुंह खोल दिया जिससे इसके नुकीले नुकीले दांत प्रकट हुए। उसके मुख से ऊर्जा की भयानक धार फूट पड़ी। यह राजसी और शक्तिशाली था क्योंकि यह एक शिवेन की ओर फटा। सीनियर सावधान, वरिष्ठ सावधान, मोशुए ने जल्दबाजी में चेतावनी दी। हालांकि बहुत देर हो चुकी थी। हेवन डिवाइनिंग बैट किंग पहले ही नीचे गिर चुका था। यह बिजली की तरह तेज था, सीधे ऊर्जा प्रवाह का अनुसरण कर रहा था। इस महत्वपूर्ण क्षण में येजेवेन के सिर के ऊपर ये न्यांग मछली का एक विशाल चित्र स्क्रॉल दिखाई दिया जो उसके भीतर उसकी रक्षा कर रहा था। गड़गड़ाहट, एक जोरदार विस्फोट की आवाज सुनाई दी और ऊर्जा की धार ने अचानक स्क्रॉल पर बमबारी की। इसने तूफानी लहरें चलाई और ऊर्जा तूफान हलकों में बह गया। ये शिवेन के बगल में दो लोगों को लगा जैसे वे स्थिर खड़े नहीं रह सकते थे और उड़ा दिए जाने वाले थे। वे अतुलनीय रूप से चौंक गए। यह निश्चित रूप से ऐसा कुछ नहीं था जो एक गहन जीवन चरण कर सकता था। यह निश्चित रूप से गहन मृत्यु अवस्था के स्तर पर था। जब वे अभी भी सदमे में थे, उन्होंने अचानक एक अतुलनीय विशाल आकृति को उस आदमी की ओर झपटते हुए देखा। तेज पंजे का एक जोड़ा मौके पर ही टूट गया। हालांकि निम्नलिखित दृश्य ने उन्हें और भी स्तब्ध कर दिया। उन्होंने अनगिनत तलवार क्यूई को अचानक उस आदमी के सिर के ऊपर से निकलते देखा। ये स्वॉर्ड क्यूई मध्य हवा में एक विशाल लंबी तलवार में संघनित हो गया और अचानक नीचे गिर गया। पुची, द हेवन डेवोरिंग बैट किंग, जो मूल रूप से प्रोफाउंड डेथ स्टेज पर बेहद क्रूर दिखता था, वास्तव में एक ही स्लैश द्वारा मारा गया था। यह मौके पर ही सीधे दो हिस्सों में बंट गया। उसकी लाश को एक बड़े हाथ ने पकड़ा और एक जोरदार धमाके के साथ उसमें विस्फोट हो गया। यह एक खूनी धुंध में बदल गया जिसने आकाश को भर दिया और एक शिवेन के शरीर में समा गया। ये शिवेन की आभा और साधना, जो मूल रूप से लगातार बढ़ रही थी, स्वर्ग के देवता चमगादड़ राजा के सार रक्त को अवशोषित करने के बाद तुरंत चरम पर पहुंच गई। जरा सा भी नहीं बढ़ेगा। फ्लैप फ्लैप फ्लैप, ये स्वर्ग खाने वाले चमगादड़ और इंतजार नहीं कर सकते थे जब ये शिवेन की तलवार से उनके राजा के दो टुकड़े हो गए। वे एक के बाद एक उड़ते गए। वे जल्दी आए और जल्दी चले भी गए। थोड़ी देर में खूनी बादल बिना किसी निशान के पहले ही गायब हो गया था। हालांकि उनमें से अधिकांश सामान्य जानवरों की तरह थे और उनके पास बहुत उच्च बुद्धि नहीं थी, फिर भी कुछ स्वर्ग खाने वाले चमगादड़ थे जो संयोग से गहन जीवन चरण में कदम रखने में सक्षम थे। उन सभी के पास एक बुद्धिमान जीवन रूप की बुद्धि थी। हालांकि वे बेहद तामसिक थे और छोटी से छोटी शिकायत का बदला जरूर लेते थे, फिर भी उन्हें स्थिति को देखना था। वे कैसे नहीं देख सकते थे कि उनके सामने का आदमी एक दानव देवता की तरह भयानक था। यहाँ तक कि उनका राजा भी एक ही वार में मारा गया। यदि यह जारी रहा तो वे निश्चित रूप से पीछे नहीं हटेंगे यदि अभी भी उनकी हत्या की संभावना थी। हालांकि भले ही उसे मारने की कोई संभावना न हो, वे केवल पीछे हट सकते थे। टीएन सोंगजी और मोसुए अपने सामने के दृश्य को केवल देख सकते थे, अवाक रह गए। कैसे, यह कैसे संभव हो सकता है? उन तामसिक जानवरों ने बदला लेना जारी नहीं रखा और वास्तव में भाग गए। यह अभूतपूर्व था। कम से कम उन्होंने ऐसा पहले कभी देखा या सुना नहीं था। उनके प्रतिशोध को जाने देने और छोड़ने के लिए तैयार होने के लिए उन्हें कितना शक्तिशाली होना चाहिए? यह असली नहीं हो सकता, यह बहुत नकली है, मोसुए कहने के बिना नहीं रह सकी। मूल रूप से उन्होंने सोचा था कि उन्हें इस व्यक्ति के पक्ष में तब तक रहना होगा जब तक कि उनके संप्रदायों से सुदृढ़ीकरण नहीं आ जाता। किसने सोचा होगा कि उन्हें तब तक इंतजार करने की भी जरूरत नहीं होगी? ये स्वर्ग खाने वाले चमगादड़ पहले ही इस आदमी से डर गए थे।
यदि इस तथ्य के लिए नहीं कि उन्होंने इसे अपनी आंखों से देखा था तो वे शायद कहते कि यह नकली है और इस पर बिल्कुल विश्वास नहीं कर सकते। तियान सोंग जी मुंह में लार निगलने से खुद को रोक नहीं सका। आज के बाद अगर कोई उसे बताए कि स्वर्ग को खाने वाला चमगादड़ शीर्ष 10 खूंखार जीवों में से एक है तो वह किस पर गुस्सा करेगा? क्रूरफर, क्या आपने नहीं देखा कि यहाँ एक और भी अधिक क्रूर अस्तित्व था जो वास्तव में तामसिक स्वर्ग को नष्ट करने वाले चमगादड़ को दूर कर सकता था? कोई केवल कल्पना कर सकता था कि यह कितना भयानक था। वास्तव में गहन मृत्यु अवस्था और उससे ऊपर के विशेषज्ञ स्वर्ग के भक्षण करने वाले चमगादड़ों से बहुत डरते नहीं थे। जब तक वे मौके पर घिरे नहीं होते उनके बचने में कोई समस्या नहीं होगी। हालांकि अगर उन्हें घेर लिया जाता तो संभावना थी कि वे मर जाते। ऐसा इसलिए था क्योंकि किसी का ट्रू युआन समाप्त होने के बाद केवल एक ही संभावना थी। हालांकि यह आदमी इन जानवरों को बलपूर्वक भगाने में सक्षम था। वह कितना शक्तिशाली था। अगर इस लड़ाई को बाहरी दुनिया जानती तो शायद यह एक नई कीर्तिदंती बन जाती। वह एक महान व्यक्ति नहीं था जो एक ही तलवार के वार से स्वर्ग के सभी चमगादड़ों को मार सकता था। अगर ऐसा होता तो भले ही वे चौंक जाते, यह इस हद तक नहीं होता। ऐसा नहीं था कि ऐसा कोई आंकड़ा मौजूद नहीं था। हालांकि इस तरह की ताकत के स्तर तक पहुंचने के बिना स्वर्ग को नष्ट करने वाले चमगादड़ों को मजबूर करने में सक्षम होने के लिए वह शायद दुनिया में अकेला था। उनके दिमाग में एकाएक कई नाम कौंध गए। मानव जाति में ऐसे बहुत से लोग नहीं थे जिनके पास इतनी ताकत थी। हालांकि उसने इसे कैसे भी देखा, उसे ऐसा कोई नहीं मिला जो मानव जाति के वर्णन से मेल खा सके। मोसू के शब्दों को सुनकर येजीवेन की अभिव्यक्ति नहीं बदली। उसे लगा कि यह अफसोस की बात है। हेवन डिवाइन बैट किंग को मारने के बाद उसकी साधना आरंभिक गहन मृत्यु अवस्था के शिखर तक बढ़ गई थी। वह सचमुच चोटी पर चढ़ गया था। अब वह लगातार अतिरिक्त शक्ति को अपने पहले अवतार में डाल रहे थे। हालांकि उनके पास दूसरे तलवार अवतार की निंदा करने का समय नहीं था। नहीं तो उसकी ताकत बहुत बड़ी सफलता हासिल कर लेती। उस समय वह इंटरमीडिएट प्रोफाउंड डेथ स्टेज पर एक अस्तित्व के खिलाफ लड़ने की हिम्मत भी करेगा। हालांकि यह अफसोस की बात थी कि ये स्वर्ग खाने वाले चमगादड़ वास्तव में भाग गए थे। वे उतने तामसिक और हठी नहीं थे जितना कि महापुरुषों ने कहा था। हालांकि उन्होंने इस तथ्य को पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया था कि उन्होंने इस छोटी सी अवधि में अज्ञात संख्या में स्वर्ग खाने वाले चमगादड़ों को मार डाला था, जिससे पूरी जनजाति की जीवन शक्ति क्षतिग्रस्त हो गई थी। फिर भी उन्होंने बहुत कुछ पाया था। उन्होंने एक ही बार में अर्ली प्रोफाउंड डेथ स्टेज के शिखर पर कदम रखा था। उनके पहले अवतार ने प्रारंभिक गहन मृत्यु अवस्था के शिखर पर भी सफलतापूर्वक कदम रखा था। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि उनके तलवार अवतार ने कुछ प्रगति की थी। इस अवधि के दौरान उन्होंने केवल अपनी तलवार कला का प्रदर्शन किया था। तलवार कला के बारे में उनकी समझ ने एक नया सुधार किया था। जैसे ही वह बोलने के लिए अपना मुंह खोलने वाला था, अचानक विशाल आकाश में आकृतियां घूमने लगी और आ गईं। करीब एक दर्जन युवक युवतियों का जत्था था। वे बहुत वृद्ध नहीं दिखते थे, तथापि उनमें से प्रत्येक के शरीर पर गहन जीवन अवस्था की आभा थी। ये जीवेन और कुछ अन्य राक्षसों के अलावा उन्हें पहले से ही विभिन्न संप्रदायों के अभिजात वर्ग के रूप में माना जा सकता था। उनका नेता कोई इंसान नहीं बल्कि एक विशाल सफेद बाघ था। यह एक इंसान की ऊंचाई और 6 से 7 मीटर लंबा था। उसके सिर के ऊपर एक ही सींग था और उसका पूरा शरीर सुनहरी रोशनी से दमक रहा था। धूप में सफेद बाघ राजसी लग रहा था। इसके अलावा इन युवक युवतियों का आभा मंडल मनुष्यों जैसा नहीं लग रहा था। हालांकि वे सभी इंसानों की तरह दिखते थे, लेकिन वे स्पष्ट रूप से इंसान नहीं थे। कुछ की पीठ पर पंख भी थे और कुछ भूरे रंग के थे, जैसे कि वे स्टील के बने हों। ब्रह्मांड में कितनी दुनिया है यह कोई नहीं जानता था। हर दुनिया का पर्यावरण पूरी तरह से अलग था, इसलिए पैदा हुए जीवन रूप भी पूरी तरह से अलग थे। वरिष्ठ भाई, इस सफेद बाघ को देखकर तियान सोंगजी और मोसू के पास सिर झुकाकर सलाम करने के अलावा कोई चारा नहीं था। ऐसा लग रहा था मानो वे इस सफेद बाघ से काफी डर गए हों। जाहिर था कि यह सफेद बाघ उनके संप्रदाय में काफी ताकतवर था। उस सफेद बाघ ने भाई और बहन की जोड़ी पर नजर डाली, फिर ठंडे स्वर में कहा, तियान सोंग जी, क्या तुमने नहीं कहा कि यहाँ स्वर्ग खाने वाले चमगादड़ थे? वे सब अब क्यों चले गए? वरिष्ठ भाई को रिपोर्ट करते हुए वे स्वर्ग खाने वाले चमगादड़ पीछे हट गए। मोजू ने अपने चेहरे पर कुछ उत्साहित अभिव्यक्ति के साथ कहा। यह स्पष्ट था कि वह अभी भी येजीवेन के स्वर्ग भक्षण करने वाले चमगादड़ राजा को मारने के उत्साह से उबर नहीं पाया था। क्या आप मेरे साथ मजाक कर रहे हैं? उस सफेद बाघ ने मोसू की ओर ठंडी दृष्टि से देखा और कहा। उसके नुकीले नुकीले सूरज की रोशनी में और भी भयानक लग रहे थे। स्वर्ग खाने वाले चमगादड़ बेहद तामसिक होते हैं। स्वर्ग को नष्ट करने वाले चमगादड़ अत्यंत तामसिक होते हैं। यदि वे अपना लक्ष्य पूरा नहीं करते हैं तो वे निश्चित रूप से तब तक आराम नहीं करेंगे जब तक वे मर नहीं जाते। यदि आपने कहा कि कोई विशेषज्ञ था जिसने उन्हें नष्ट कर दिया तो यह ठीक है, लेकिन आपने वास्तव में कहा था कि वे पीछे हट गए।
वह कैसे संभव है? मैं देख सकता हूँ कि तुम सब अब बहुत बोल्ड हो। आपने वास्तव में मुझसे झूठ बोलने का साहस किया। क्या आप मुझसे झूठ बोलने के परिणाम जानते हैं? उस सफेद बाघ ने मोसू को देखा और कहा। एक अत्यंत शक्तिशाली जबरदस्ती सीधे उन पर टूट पड़ी। यह स्पष्ट था कि उसे मोसू की बातों पर विश्वास नहीं हुआ। वह केवल अपने निर्णय पर विश्वास करता था और केवल वही जानता था जो वह जानता था। तियान सोंगजी बुरी तरह मुस्कुराए बिना नहीं रह सका। वास्तव में इस सफेद बाघ की तो बात ही छोड़िए, अगर उन्होंने इसे अपनी आंखों से नहीं देखा होता तो वे भी इस बात पर विश्वास नहीं करते। ये स्वर्ग खाने वाले चमगादड़ इसलिए पीछे हट गए थे क्योंकि वे एक व्यक्ति से डरते थे। वरिष्ठ भाई को रिपोर्ट करना, हम वास्तव में झूठ नहीं बोलते। मोजू चिंतित हुए बिना नहीं रह सकी। वरिष्ठ भाई, अगर आप मुझ पर विश्वास नहीं करते हैं तो देखिए, जमीन पर अभी भी स्वर्ग के चमगादड़ों की लाशें पड़ी हैं। इस समय मोजू ने एक नजर डाली और पाया कि हालांकि जमीन पर स्वर्ग खाने वाले चमगादड़ों की कई लाशें थी, लेकिन उनमें से बहुत अधिक नहीं थी। इसके अलावा वे वही थे जो उनके हाथों मारे गए थे। जहां तक लोगों की बात थी जो हरे लबादे वाले आदमी के हाथों मारे गए थे, मोजू को आखिरकार एहसास हुआ कि कोई लाश नहीं बची थी। स्वर्ग खाने वाले सभी चमगादड़ों की मौके पर ही मौत हो गई थी। यहां तक कि उनके रक्त सार को भी चूस लिया गया था। यह स्वर्ग को खाने वाले चमगादड़ों को मारने से कहीं अधिक कठिन था। इसके अलावा एक भी नहीं बचा था। अब जब उसने इसके बारे में सोचा तो यह बेहद भयानक था। हालांकि यह मामला जिसने मूल रूप से लोगों को सतर्क कर दिया था, इस समय उस सफेद बाघ की आंखों में यह स्पष्ट रूप से उसे चिढ़ा रहा था। यह केवल घृणित था। आप अभी भी यह कहने की हिम्मत करते हैं कि आपने झूठ नहीं बोला? स्वर्ग खाने वाले चमगादड़ों की इन लाशों को देखकर आप चाहते हैं कि मुझे विश्वास हो जाए कि आपने बड़ी संख्या में स्वर्ग खाने वाले चमगादड़ों का सामना किया है? क्या आप मुझे धमकाने की कोशिश कर रहे हैं? क्योंकि मुझे नहीं पता कि कैसे गिनना है। वर्तमान में मेरे पास अभी भी दो मानव जाति दासों की कमी है। क्या तुम सच में मेरे गुलाम बनना चाहते हो? यह मत सोचो कि तुम जो चाहो कर सकते हो सिर्फ इसलिए कि मास्टर तुमसे प्यार करता है। यदि तुम सचमुच मुझ पर क्रोध करते हो तो क्या हुआ यदि मैं सचमुच तुम्हें अपना दास बना लूं? क्या मास्टर जी मुझे इसकी सजा देंगे? दिन के अंत में तुम सिर्फ नीच और साधारण इंसान हो। क्या आप वास्तव में हमारे साथ तुलना करना चाहते हैं? श्वेत बाघ ने बिना किसी शिष्टता के फटकार लगाए। शक्तिशाली आभा जो गहन जीवन क्षेत्र के शिखर से संबंधित थी, बिना किसी शिष्टता के नीचे दब गई। ऐसा लग रहा था मानो वह दोनों को घुटने टेकने पर मजबूर कर देना चाहती हो।